بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله العلي المتعال المنزه عن الشركاء والامثال والصلاة والسلام على حبيبه الهادي من الضلال وعلى آله وأصحابه بالغدو والآصال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله محفظ سے درود و سلام میرے نذرانہ پیش کیجیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولا يسلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم توحید و رسالت کی خاطر توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے ہم فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے معبود فقط ہے ایک خدا مسجود فقط ہے ایک خدا ہم اللہ کی صداؤں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان متوالوں پر ہم ان کج فکر خطیبوں کو راز توحید بتائیں گے تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے ہم آل نبی کے متوالے حسنین کے مشن کے وارث ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربا کی شان بتائیں گے اصحاب نبی کے چرچے سے جو بغض کی آگ میں جلتا ہے ہم رضی اللہ کی پہاروں سے وہ جلتی آگ بجھائیں گے جو پر انوار مزاروں پہ ظلمات کا دھندا کرتے ہیں ہم ان بے خبر ملنگوں کو جام عرفان پلائیں گے وہ دیپ جو بجھ گئے فتنوں کی تند و تاریک ہواؤں سے تیبہ کی دیا سلائی سے ہم پھر وہ دیپ جلائیں گے یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تو راج کرے رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے یا مجرم یا ملزم بیٹھے میلوں میں اور غازی تڑپے جیلوں میں ہم جبر کے ظالم ہاتھوں سے اب غازی کو چھڑوائیں گے میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکار مدینہ کے صدقے وہ دن بھی آئے گا آصف ہم دنیا پہ چھا جائیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی
जल्ला जलालुहु वाम्मा नवालुहु वातम्मा बुरहानुहु वाजमा शानुहु वजल्ला जिक्रुहु वाजा इस्मुहु की हम्दो सना। और हजूर सरवरे कायनात मफखरे मौजूदात जीनते बज़्मे कायनात दस्तगीरे जहां गम गुसारे जमां सैयदे सरवारां हामिये बेकसां कायदुल मुरसलीन खातमन नबीयीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहाबी वबारक वसल्लम के दरबार गहर बार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज करने के बाद रन के महफिल वालदे मोहतरम सूफी गुलाम सरवर साहिब जीद मजदूह पीर तरीकत पीर सैयद मोहम्मद जियाउल इस्लाम शाह साहिब गीलानी आस्ताना आलिया नारोवाली शरीफ पीर तरीकत साहबजादा काजी मोहम्मद महमूद अहमद कादरी साहिब आस्ताना आलिया आवान शरीफ शेखुल हदीस हजरत अल्लामा काजी मोहम्मद अब्दुर्रहमान जलाली साहिब जीद मजदूह हजरत साहबजादा मोहम्मद उस्मान अफजल कादरी साहिब मराड़िया शरीफ हजरत साहबजादा मोहम्मद जहीरुद्दीन मुअज्जमी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला उस्तादुल कुर्रा हजरत अल्लामा मौलाना कारी अली मोहम्मद जलाली साहिब जीद मजदूह उस्तादुल उलमा हजरत मौलाना इरशाद अमन जलाली साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला खतीब पाकिस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शाहिद चिश्ती साहिब जीद मजदूह खतीब आले सुन्नत हजरत मौलाना कारी मोहम्मद दीन राजौरवी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला पीर तरीकत पीर सैयद खलीलुर रहमान शाह साहिब आफ जेलम हजरत पीर सैयद आफ्ताब हुसैन शाह साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला फाजिल मोहतशम हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास जलाली साहिब जीद मजदूह हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अब्दुल रशीद साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला फाजिल मोहतशम साहबजादा मोहम्मद तैयब जलाली साहिब जीद मजदूह वारिसाने मिंबर व मेहराब अरबाब फिक्र दानिश नहायत ही मुअज्जज़ व मोहतशम सामीन हजरात रब्बुल जलाल के फजल और तौफीक से हजरत शादौला रहमहुल्लाह ताला के देश में हजरत मुफ्ती अहमद यार नईमी रहमहुल्लाह ताला और हजरत शहनशाह वलायत रहमहुल्लाह ताला के इस नगर में आज हम सबको इदारा सिराते मुस्तकीम पाकिस्तान जिला गुजरात के जेरे तमाम इस तारीख साज अकीदा तौहीद सेमिनार में शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। मेरा दिल बाग बाग है कि हर तरफ आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिले चेहरे नजर आ रहे हैं और मुझे फाजले बरेलवी रहमहुल्लाह ताला का वो शेर याद आ रहा है, क्या मदीना से सबा आई के फूलों में है आज कुछ नई बू भीनी भीनी प्यारी प्यारी वाह हवा। आज वलियों के इस देश गुजरात में हजरत इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी रहमतुल्ला अलैह के फिक्री बेटे हजरत मुजद्दद अल्फ़सानी रहमहुल्लाह ताला के वाबस्तगान हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमहुल्लाह ताला के नाराय मस्ताना पर लब्बैक कहने वाले ये गयूर मुसलमान हजरत इमाम फजल हक खैराबादी की अजान पर हमेशा के लिए तैयार हो जाने वाला ये काफिला इस अंदाज में जलवागर है कि मुझे महसूस हो रहा है आज बिक्की शरीफ के वो मर्द हक परस्त जिन्हें जमाना हाफिजुल हदीस कहता है उनकी रूह किस कदर खुश होगी कि उनकी तहरीक मंजिल की तरफ रवा दवा है। आज यहां से लेकर नजद के गंजे पत्थरों तक
हम ये पैगाम देने के लिए बैठे हैं। अल्लाह का फजल है, अहले सुन्नत व जमात कल भी हक पर थे और अहले सुन्नत व जमात आज भी हक पर है। हम अगरचे अब 15वीं सदी में हैं, मगर रब्बे जुल जलाल की कसम, जो अकीदा तौहीद फरान की चोटियों से पढ़ाया गया, जो अकीदा तौहीद और रिसालत दारे अरकम से जिसका पैगाम दिया गया, जिस अकीदा तौहीद और रिसालत का पैगाम सुफा से चला, आज भी रब के फजल व करम से वही चमक हमारे सीनों में मौजूद है। और हम इस वक्त अल्लाह के फजल व करम से उस धांधली को रोकने के लिए निकले हैं जो अकीदा तौहीद पर काफी देर से की जा रही थी। अल्लाह का फजल व करम है, सिर्फ 4 अकीदा तौहीद सेमिनार्स मरकजी मुनक्द हुए हैं और हमें मुखालिफ और उनकी दावत दम तोड़ती नजर आ रही है। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जब ये कीड़े मकोड़े अपने दिलों में दाखिल हो जाएंगे और यहां से लेकर मदीना शरीफ तक हर तरफ अहले सुन्नत के चमकते चेहरे दिखाई दे रहे होंगे। मोहतशम सामिन हजरत, हक की आवाज कल भी सुन्नी जुबानों पे थी और हक की आवाज आज भी सुन्नी जुबानों पे है। जब भी काफिले मंजिल को पहुंचे तो मीरे कारवां सुन्नी था, और जब भी सदाकत की रोशनी नजर आई तो आफताब का नाम सुन्नी था, और जब भी कायनात गुलाब से महकने लगी तो खुशबू का नाम सुन्नी खुशबू था। इस वास्ते आज की ये बेदारी कोई नई बात नहीं है। रब्बे काबा की कसम, हमारी मट्टी अगरचे पंजाब की है मगर सीनों में नूर मदीना शरीफ का है। उसी चीज को हाईलाइट करने के लिए अकीदा तौहीद सेमिनार्स का सिलसिला शुरू किया गया। मुल्क के कोने कोने में इसकी आवाज सुनाई दे रही है। हमारे नहत ही करम फरमा हजरत मौलाना कारी अली मोहम्मद जलाली साहब कई सालों से ये कह रहे थे कि गुजरात में एक तारीख साज अकीदा तौहीद सेमिनार का इनेकाद होना चाहिए। अल्लाह ने उनकी इस दुआ को कबूल कर लिया है और आज उनकी पूरी टीम और तमाम उलमाए अहले सुन्नत और तंजीमात अहले सुन्नत के ताबुन से, अल्लाह के फजल से ये अजीम शान इज्तिमा अकीदा तौहीद सेमिनार के उनवान से इस वक्त मुनक्किद है। मुझे इस बात का एहसास है कि आप कुर्ब जवार से दूर दराज से तशरीफ लाए और आपको दिन भर कामकाज की थकावट भी है और रात मुख्तसर भी है। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी गुफ्तगू को समेटूं और मजमून को मुख्तसर अंदाज में पेश करूं, लेकिन अगर इसमें कुछ तवालत हो भी जाए तो याद रखना हम उस अकीदा तौहीद के बयान के लिए बैठे हैं जिसकी चांदनी कल फिरदौस में भी हमें काम देगी। सोते तो रहते ही है दुनिया में, रातें गुजरती रहती हैं, मगर वो रात कितनी मुबारक रात है कि जिसकी घड़ियां उस अकीदे की खुशबू में और उसका पैगाम देने में गुजर रही है कि जिसकी खातिर हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हो पत्थरों के नीचे भी अहद अहद की सदाएं बुलंद करते रहे थे। मोहतशम सामिन हजरात, अहले सुन्नत व जमात का ये अंदाज है, हम ये समझते हैं कि जिसे कुर्बे रिसालत मुयस्सर आता है उसे ही तौहीद का पता चलता है, और जो रिसालत से दूर हो वो जिंदगी बसर कर ले जंगलों सहराओं में खाक छानता फिरे उसे कभी भी तौहीद का पता नहीं चलता। इस बुनियाद पर कुरान मजीद में जो अंदाज तबलीग है, बल्कि तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की दावत का जो अंदाज है, वही अंदाज आज भी अहले सुन्नत व जमात का है। कुरान मजीद बुरहान रशीद में रब्बे सुल जलाल ने इस बात को वाज़े फरमाया है, जब कुरैश मक्का
मेरे महबूब अलैहिस्सलाम से पूछ रहे थे खुदा एक है तो उसके एक होने की दलील क्या है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया था वो बशक्ल आयत आज भी कुरान में मौजूद है। वो जवाब क्या है? फरमा फकद लबिस्तु फीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफला ताकिलून, तुम में अकल नहीं, मुझे देख के फिर तुम तौहीद की दलीलें पूछते हो। मैं खुद तौहीद की सबसे बड़ी दलील हूं, मेरी 40 साल जिंदगी तुम्हारे माहौल में गुजर चुकी है, मैं कहीं बाहर से नहीं आया। मेरी विलादत और मेरे मीलाद के हसी नजारे भी तुम्हारे सामने हैं, मेरा फूलों से हसी बचपन भी तुम्हारा सामने है, मेरी उभरती जवानी भी तुम्हारे सामने है, मेरी 40 साल जिंदगी का हर साल देख लो, हर साल का हर महीना देख लो, हर महीने का हर हफ्ता देख लो, हर हफ्ते का हर दिन देख लो, हर दिन का हर घंटा देख लो, हर घंटे का हर मिनट देख लो, हर मिनट का हर सेकंड देख लो। अगर 40 साल के एक सेकंड में भी मैंने झूठ नहीं बोला तो फिर याद रखो आज भी सच कह रहा हूं, खुदा एक है, मैं उसका रसूल हूं। अफला ताकिलून, झंझोड़ा उनको, तुम में अकल नहीं, मेरा चेहरा देख के फिर भी तुम्हें दलील की जरूरत है। इसलिए हजरत अबू राफे रजी अल्लाह तआला अन्हु कुरैश का पैगाम लेके आए थे। अबू दाऊद शरीफ में हदीस शरीफ है, जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा, कहते लम्मा रईतुहु उल्किया फी कल्बी अलिस्लाम, चेहरे का दीदार कर रहा था, दिल से इकरार कर रहा था। ये वो जात है जिनका जिसे कुर्ब मिलता है उसे तौहीद का पता चलता है। बुखारी शरीफ में है, जब मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने तमाम कबाइल के सरदारों को इकट्ठा कर लिया और फरमाया, अगर मैं कहूं कि पहाड़ के पीछे से लश्कर आ गया है, हल अंतुम मुसद्दिकिया, क्या तुम मेरी तस्दीक करोगे? तो सब ने यकसुबा कहा, हम तस्दीक करेंगे, अगरचे हमें लश्कर नजर नहीं आ रहा। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्यों तस्दीक करोगे? अब जुमला सुनो उनका, दुश्मन थे। बुखारी शरीफ में उनका अंदाज क्या है, कहने लगे मा जर्रबना अलैका इल्ला सिदका, महबूब हम मानेंगे तुम फरमाओ के लश्कर आ गया है, हम लश्कर को तस्लीम करेंगे। किस लिए? कि हमने आपकी जुबान से आज तक सवाए सच के कुछ सुना ही नहीं है, जब भी बोलते हो सच बोलते हो। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मेरे कहने पर देखे बगैर तुम लश्कर को तस्लीम कर जाते हो, तो मेरे कहने पर देखे बगैर मेरे रब को भी तस्लीम कर जाओ। यह है वो जुबान जिसने अरब के बद्दुओं को दिखाए बगैर रब बनवा दिया। यह है वो जुबान जिनके कहने से बंजर जमीन आबाद हो गई। यह वो जुबान है जिस जुबान की वजह से वो सियासीनों में नूर पैदा हो गया। यह वो जुबान है जिसने मुर्दा दिलों को जिंदा कर दिया। इस बुनियाद पर रब्बे जुल जलाल ने तौहीद के बयान के उस सदर मकाम पर जिसको सूरह इखलास कहा जाता है, अगर ऐलान तौहीद करवाया है तो मेरा रब फरमाता कुल हुवल्लाहु अहद, महबूब आप फरमाए वो अल्लाह है वो एक है। हालांकि तौहीद तो हुआ से शुरू होती है, कुल उससे पहले जिक्र किया, अगर होता हुवल्लाहु अहद तो तौहीद की दावत मौजूद थी, मगर रब्बे जुल जलाल ने तौहीद से पहले रिसालत को जिक्र किया कि क्यामत तक जो तौहीद बयान करे वो रिसालत के जरिए से बयान करे, क्यामत तक जो तौहीद की दावत दे वो इस अंदाज में दावत दे कि रब्बे जुल जलाल फरमा रहा है महबूब तुझे जानते हैं, तुझे सादिक अमीन कहते हैं, तुम्हारी बातें सुनते हैं, तुम्हारे पास आके बैठते हैं। महबूब ये ना मुझे देख सकते हैं ना मेरे पास आ सकते हैं, मैं मकान से पाक, मैं जिहत से पाक, मैं शक्ल से पाक। महबूब तुम्हारी जिहत, महबूब तुम्हारा मकान, महबूब तुम्हारी शक्ल तुम्हारे पास आते हैं, तुम मनवाओगे तो मान जाएंगे। कुल हुवल्लाहु अहद, अपनी जुबान से इनको कहो वो अल्लाह है वो एक है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने जो कहा तो असर कितना हुआ, 14 सदियां गुजर गई है, आज भी 1,56,00,000,000 सीनों से मेरे महबूब के पढ़ाए हुए सबक की आवाज आ रही है। इस बुनियाद पर हम उन लोगों को जो आज हम पे शिर्क के फतवे लगाने वाले हैं, उनको बयाने तौहीद का अंदाज सिखाने वाले हैं,
जो अंदाज कुरान ने हमें सिखाया है और इसके जरिए से कोई देखेगा तो उसे भूल नहीं होगी, इसके लिहाज से कोई देखेगा तो फिर मंजिल पे पहुंचेगा। आज अफसोस है हम किसी पे हमला करने नहीं निकले, हम मजलूम हैं, हम पे शिर्क के फतवे लगे और अबू जाल से बड़े शिर्क का इल्जाम उम्मत मुस्लिमा को दिया जाने लगा। और वो उम्मत जो खैर उम्मत है, वो उम्मत जो उम्मत तौहीद है, उस पर शिर्क के फतवे दागे गए और यहां तक कहा गया कि कद इस्तहकमत हाजिर रजियतु फी अक्सर मिन अल बिलाद अल इस्लामिया, कि ये शिर्क का मर्ज जो है वो अक्सर बिलाद इस्लामिया में रच बस चुका है। काफिर तो वैसे ही काफिर है, बिलाद इस्लामिया में से अक्सर लोग माजल्ला कहा जाने लगा कि मुशरिक हो चुके हैं। और शिर्क की वजह क्या है, कहते हैं कि वो मजारात पे जाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इस बुनियाद पर शिर्क का फतवा लगाया जाने लगा। मैं कहता हूं अगर उन लोगों का शिर्क का फतवा तस्लीम कर लिया जाए तो फिर पीछे तो टांगे की सवारियां नहीं बचती, फिर सबसे बड़ी उम्मत का तसव्वुर कैसे होगा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने वाज़े लफ्जों में इरशाद फरमाया है, सही बुखारी शरीफ में मौजूद है, फरमाया रब्बे ज़ुल जलाल ने हर पैगंबर को कोई ना कोई मौजदा दिया जिसे देख के बशर कलमा पढ़ते रहे। इन्नमा कान अल्लज़ी उतीतुहु वहयन औहल्लाहु इलैया, फरमा मेरे रब ने जो मुझे मौजदा दिया है वो कुरान है जो मुझ पर नाजिल किया गया। फरमा सारे पैगंबरों से मेरा मौजदा जुदा है, और पहले मौजदे हिस्सी होते थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा हिस्सी मौजदा था, आंख के सामने था मौजदा था, हट गया तो खबर बाकी रह गई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी हिस्सी मौजदा, उस वक्त मौजदा था, आज मौजदा नहीं। मगर खत्म नबूवत का ताज पहन के आने वाले अजीम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजदा कुरान है, जो कल भी मौजदा था, जो आज भी मौजदा है। इस कुरान को महबूब अलैहिस्सलाम ने पेश करके ऐलान किया था, अर्जू अन अकूना अक्सरहुम ताबिया, फरमा जब मेरा मौजदा हमेशा चमकता रहेगा तो जितनी बड़ी मेरी उम्मत होगी इतनी किसी की उम्मत नहीं होगी। इस बुनियाद पर शिर्क का फतवा लगाकर अपना कद ऊंचा करने वाले वो अजमत उम्मत के गद्दार, वो फैज़े कुरान के मुनकर, वो सरकार की खत्म नबूवत के जो बरकात हैं और मेरे नबी अलैहिस्सलाम का जो कारे तबलीग है, इस सब पे माजल्ला पानी फेरने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस मैदान में निकले हैं कि जब मक्का फतह हुआ तबरानी में है, शैतान की चीखें निकल गई, शतुंगड़ों ने पूछा रोता क्यों है, तो कहने लगा ना उम्मीद हो गया हूं अब शिर्क नहीं होगा। शैतान तो शिर्क से ना उम्मीद हो गया था, मगर उसके नुमाइंदों को आज शिर्क की कितनी उम्मीद है कि कदम कदम पे उन्हें शिर्क नजर आता है। कोई तबर्रुक के लिए जाए फिर भी अबू जहल से बड़ा मुशरिक, कोई बरकत के लिए किसी मुतबर्रक मकाम पे नमाज पढ़ने के लिए जाए फिर भी उनके नजदीक माशाल्लाह अबू जहल से बड़ा मुशरिक, कोई अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़े फिर भी उस पर शिर्क का फतवा दाग रहे हैं। तो मैं बबांगे दोहल कहता हूं ये फतवा इंजीनियर जाली और झूठा फतवा है। रब्बे काबा की कसम, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हशर का गजट देखकर जो खबर दी थी मैं वो सामने रख रहा हूं। फरमा फिल जन्नते मियातु वईशरूना सफा, जन्नत में कुल 120 सफे होगी, हर सफ में अरबों लोग मौजूद होंगे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं समानूना मिन्हा मिन उम्मती, उन 120 सफों में 80 सफे मेरे गुलामों की होंगी। इस वास्ते इन सारी चीजों की आवाज को बुलंद करने के लिए कुरान हमारे पास है, सुन्नत हमारे पास है, खत्म नबूवत की बरकात इस उम्मत को मुयस्सर है। इस बुनियाद पर यह उम्मत उम्मत शिर्क नहीं, उम्मत तौहीद है। और रब्बे काबा की कसम यह उम्मत अपने खास मजाज में शिर्क को कबूल करने वाली ही नहीं है। इस उम्मत का मसला शिर्क जली हरगिज नहीं है, इस उम्मत का मसला रियाकारी है,
हुब्बे दुनिया है कि उसके खिलाफ जिहाद किया जाए। आज ये नाहंजार लोग जो असल बीमारी है उससे तवज्जो हटा के जो हैजे का मरीज हो उसको सर दर्द की गोलियां देने चाहते हैं और असल मरज से तवज्जो हटाना चाहते हैं। अहले सुन्नत व जमात इसलिए मैदान में उतर आए हैं कि हम धांधली नहीं होने देंगे। इन्होंने जो मेयार उलूहियत बयान किया, हमने उस मेयार उलूहियत को कुरान मजीद बुरहाने रशीद की 100 आयात से रद्द किया है। और हम जो मेयार उलूहियत बयान करते हैं अलहम से लेकर बन्नास तक पूरा कुरान उसकी हिमायत करता है। इन्होंने इंजीनियर शिर्क साबित करने के लिए जो शान रब की बंदों की भी हो सकती है उनको मेयार उलूहियत करार दिया और धांधली करके तौहीद की आड़ में तौहीन रिसालत करना चाहिए। अल्लाह का फजल है ये चंद सालों के सफर से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। हजारों दलदल में फंसे हुए इनके वो तौहीदी जो ना उम्मीद हो चुके थे वो इस स्टेज पे आ चुके हैं। अवाम तो क्या, उलमा ने भी कलमा पढ़ के अपने हक का ऐलान कर दिया है। मुहतशम सामिन हजरात, बात है मेयार उलूहियत की। इलाह होने का मतलब क्या है, अल्लाह किसको कहते हैं? इन लोगों ने कहा अल्लाह होने का मतलब है दाता होना, अल्लाह होने का मतलब है दस्तगीर होना, अल्लाह होने का मतलब है हाजत रवा होना, अल्लाह होने का मतलब है मुश्किल कुशा होना, यह मेयार उलूहियत है। तो मैंने डंके की चोट पे कहा, कई साल गुजर गए अब तक मुझे मेयार उलूहियत पर कोई भी बड़ा तो कीड़ा मकोड़ा तो क्या बड़ा भी जवाब नहीं दे सका। जो मेयार उलूहियत इन लोगों ने बयान किया, मैं कहता हूं 100 आयात है मेरे पास, मैं उससे उस मेयार उलूहियत का जवाब दे रहा हूं। अगर मददगार होना अल्लाह होना है तो फिर जो उलूहियत है वो मजाजी नहीं होती, जो उलूहियत है वो अताई नहीं होती, जो उलूहियत है वो एक सेकंड भी के सिवा किसी को नहीं मिल सकती। अगर मददगार होना अल्लाह होना है तो फिर बताया जाए बदर के मैदान में फरिश्ते क्या करने गए थे? मददगार तो वो बने थे मगर अल्लाह नहीं थे, मददगार थे अल्लाह नहीं थे, हाजत रवा थे अल्लाह नहीं थे, मुश्किल कुशा थे अल्लाह नहीं थे। इस वास्ते अल्लाह होने का मतलब जो ये लोग बयान कर रहे हैं कुरान उसको मुस्तरद कर रहा है। और हम मेयार उलूहियत जो बयान करते हैं अलहम से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान उसकी हिमायत करता है। आसान लफ्जों में इसको समझो, इनकी तौहीद कॉन्फ्रेंस और अब जो हाथ से जाती तौहीद नजर आई तो फिर खालिस के सहारे इन्होंने अपने आप को बचाना चाहा। उसमें तकरीरें क्या है, तकरीरें क्या है, कोई ग्यारहवीं वाला नहीं मगर अल्लाह, कोई बारहवीं वाला नहीं मगर अल्लाह, कोई हाजत रवा नहीं मगर अल्लाह, कोई मुश्किल कुशा नहीं मगर अल्लाह। ला इलाह इल्लल्लाह में लफ्ज अल्लाह का जो तर्जमा और इलाह का जो तर्जमा हाजत रवा से करे, मुश्किल कुशा से करे, दस्तगीर से करे, दाता से करे। मैं ऐलान कह रहा हूं उसने लफ्ज इलाह की ट्रांसलेशन से ख्यानत की है, उसने लफ्ज अल्लाह के तर्जमे से ख्यानत की है। याद रखना ला इलाह इल्लल्लाह में जो लफ्ज अल्लाह है वो लफ्ज अल्लाह उसकी जगह लफ्ज दाता, उसकी जगह लफ्ज दस्तगीर, उसकी लगा लफ्ज गौस, उसकी जगह ये हमारे उर्दू पंजाबी के लफ्ज ये रख के तर्जमा करना ये कुरान मजीद के अफकार से गद्दारी है। याद रखना मैं बरमला कह रहा हूं, अलल ऐलान कह रहा हूं, जिस फॉर्म पर कोई चाहेगा मैं सर के बल चल के अपने मतलब को साबित करूंगा। और सच यह है कि जो उनकी तरफ से जो नुमाइंदा है उनकी पूरी मिल्लत का वो जहां चाहेगा हम मेयार उलूहियत पर बात करेंगे, खा वो इंग्लिश में चाहे इंग्लिश में करेंगे, अरबी में चाहे अरबी में करेंगे, उर्दू में चाहे उर्दू में करेंगे। हम इस बात को वाजे करेंगे कि अल्लाह होने का मतलब यह है, वाजिबुल वजूद होना,
مستحق عبادت ہونا میرے رب کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں، میرے رب کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ جہاں تک مدد کا تعلق ہے، اللہ چاہے تو خود کرتا ہے، چاہے تو اپنے بندوں سے کروا دیتا ہے۔ چونکہ وقت مختصر ہے، توجہ کیجئے۔ آپ دیکھیے، لفظ اللہ کا ترجمہ یہ کرتے ہیں داتا سے، لفظ اللہ کا ترجمہ دستگیر سے، مشکل کشا سے، حاجت روا سے۔ میں پوچھتا ہوں، لفظ داتا بڑا ہے یا لفظ رحیم بڑا ہے؟ لفظ دستگیر بڑا ہے یا لفظ کریم بڑا ہے؟ لفظ حاجت روا بڑا ہے یا لفظ خبیر اور ستار بڑا ہے؟ یہ جو اردو میں میں بول رہا ہوں، وہ دستگیر ہو، داتا ہو، حاجت روا ہو، مشکل کشا ہو، یہ تو ہماری بولی کے لفظ ہیں۔ اللہ کے یہ نام نہ قرآن میں آئے ہیں، نہ حدیث میں آئے ہیں، نہ تورات میں آئے ہیں، نہ زبور میں آئے ہیں، نہ انجیل میں آئے ہیں۔ اور جو بل یقین آئے ہیں ان میں دیکھو، مثال کے طور پر لفظ رحیم ہے، تو کلمہ توحید میں لفظ اللہ کی جگہ لفظ رحیم نہیں رکھا جا سکتا۔ جب لفظ رحیم نہ رکھا جائے تو لفظ داتا کیسے رکھ سکیں گے؟ ہر دور میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ رہا۔ جب رب کے تو دوسرے نام بھی ہیں، کسی دور میں تو یوں ہوتا لا الہ الا الکریم، کسی دور میں کلمہ توحید یوں ہوتا لا الہ الا العلیم، کسی میں ہوتا لا الہ الا الرحیم، کسی میں ہوتا لا الہ الا الخبیر، کسی میں ہوتا لا الہ الا الحلیم، کسی میں ہوتا لا الہ الا الستار، کسی میں ہوتا لا الہ الا الغفار۔ میں پورے شرع صدر سے کہہ رہا ہوں، ہر دور میں توحید بیان کرنے کے لیے اللہ نے لفظ اللہ ہی استعمال فرمایا ہے۔ حالانکہ میرا رب ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، رحیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، حلیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، مگر کلمہ توحید میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ سارے بولو لا الہ الا اللہ۔ اب لفظ اللہ کی جگہ جب اللہ کے وہ نام جو قرآن میں آئے وہ نہ رکھے جا سکے، تو ہمارے اردو، پنجابی، فارسی کے لفظ کیسے رکھے جا سکتے ہیں؟ اب لفظ رحیم کیوں نہیں رکھا جا سکتا؟ کلمہ توحید یوں کیوں نہیں ہے لا الہ الا الرحیم؟ اس لیے نہیں ہے، مختصر جواب، کہ الوہیت توحید اس سے بیان ہوگی جو مجازن نہ ہو، جو نام مجاز میں نہ آ سکے، جو نام عطائی نہ ہو سکے۔ اگر ہوتا لا الہ الا الرحیم تو توحید بیان نہ ہوتی۔ کیوں؟ رحیم دو ہو سکتے ہیں، اللہ دو نہیں ہو سکتے۔ لا الہ الا الرحیم کلمہ کیوں نہیں ہے؟ اس واسطے کہ رحیم دو ہو سکتے ہیں، اللہ دو نہیں ہو سکتے۔ لا الہ الا الکریم کلمہ کیوں نہیں ہے؟ کریم دو ہو سکتے ہیں، اللہ دو نہیں ہو سکتے۔ تو الوہیت اس لفظ سے بیان ہوگی جو مجازی نہیں ہوتا، جو عطائی نہیں ہوتا، وہ لفظ اللہ ہے۔ اب رحیم دیکھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کو رحیم کہا گیا، اور دوسری جگہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہاں رحیم ہمارے نبی علیہ السلام کو کہا گیا، رحیم اللہ بھی ہے، رحیم نبی علیہ السلام بھی ہے۔ اس بنیاد پر جو دونوں میں پایا جائے، اگرچہ حقیقت و مجاز کا فرق ہو، وہاں توحید کے لیے اس لفظ کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو پتہ چلا معیار الوہیت یہ ہے کہ واجب الوجود ہونا، مستحق عبادت ہونا۔ جہاں تک مدد کا تعلق ہے، میرا رب چاہتا ہے خود کرتا ہے، چاہتا ہے اپنے بندوں سے کروا دیتا ہے۔ دو چیزیں ہیں معیار الوہیت، اور ہم نے اپنے چاروں سیمیناروں میں جو جو ان کا اعتراض تھا، اس پر ہر اعتراض کا جواب دیا۔ واجب الوجود کون ہوتا ہے؟ جو ازلی ہو، ابدی ہو، دائمی ہو، ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے، جس کے لیے نہ بیماری ہے، نہ وفات ہے، نہ زوال ہے، اور وہ صرف میرے اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ہونے کا مطلب، اہل سنت سمجھاؤ ان کو، اگر ایک بھی بگڑا ہوا تمہارے سمجھانے سے توحید سمجھ گیا، تو پوری دنیا کے صدقے سے بڑا ثواب مل جائے گا۔ تعاقب کرو ان کا، ان کی دکانوں پہ جاؤ،
इनके पीछे पड़ जाओ और समझाओ इनको अलहम से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान हमारे नजरिए की हिमायत कर रहा है, इनके नजरिए को मुस्तरद कर रहा है। अल्लाह होने का मतलब है वाजिबुल वजूद होना और मुस्तहिक इबादत होना। अल्लाह का शुक्र है अहले सुन्नत व जमात अल्लाह ही को वाजिबुल वजूद मानते हैं, उसे ही मुस्तहिक इबादत मानते हैं। जहां तक मदद का ताल्लुक है, रब खुद भी करता है, मर्जी से अपने महबूबों से भी करवा देता है। यह बात भी जहन में रखें, मेरे रब की जात में भी कोई शरीक नहीं है और उसकी सिफात में भी कोई शरीक नहीं है। शायद किसी के जहन में सवाल पैदा हो कि तुम तो कहते हो अल्लाह भी गैब जानता है और नबी अलैहिस्सलाम भी गैब जानते हैं, अल्लाह भी मुश्किल हल करता है और नबी अलैहिस्सलाम भी मुश्किल हल करते हैं, तो तुमने एक बस दोनों जातों में मान लिया, उधर अल्लाह में है इधर नबी अलैहिस्सलाम में है, तो ये शिर्क हो गया। तो मैं बबांगे दोहल अपने मौकिफ को दोहरा रहा हूं, मेरे रब की जात में भी कोई शरीक नहीं है और मेरे रब की सिफात में भी कोई शरीक नहीं है। इस शिर्क को साबित करने से पहले देखना पड़ेगा रब की सिफत है क्या और बंदे की सिफत है क्या। अल्लाह गैब जानता है, किसी की अता से नहीं खुद जानता है, और अगर नबी अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की अता के मोहताज ना हो खुद जाने तो फिर शिर्क हो गया। या जैसे सरकार अता से जानते हैं अल्लाह भी किसी की अता से जाने तो फिर भी सिफत एक जैसा हो गई। जबकि सुन्नी बच्चा बच्चा जानता है, अल्लाह खुद जानता है, अल्लाह के नबी रब के देने से जानते हैं। इस सिलसिला में मेरे पास 100 आयात है, मगर यह वक्त 100 आयात पेश करने का नहीं, सटाल से वो आप सीडीज हासिल कर सकते हैं। मैं आपके सामने बस सिर्फ एक मिसाल पेश करते हुए अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। यह 26वां पारा है, इसके अंदर सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। खालिके कायनात जल्ला जलालहू इरशाद फरमाता है, आयत नंबर 8 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? युसब्बित अक़दामकुम, अल्लाह तुम्हें साबित कदम रखेगा। अल्लाह तुम्हें साबित कदम रखना मदद करना है, साबित कदम रखना हाजत रवाई करना है, साबित कदम रखना मुश्किल कुशाई करना है। तो 26वें पारे में क्या जिक्र हुआ? साबित कदम कौन रखता है? सारे बोलो, साबित कदम कौन रखता है? साबित कदम कौन रखता है? अल्लाह। हमारे नजदीक ये अल्लाह का वस्फ है, मगर ये मेयारे उलूहियत नहीं है, ये मेयारे उलूहियत। सारे बोलो, ये मेयारे उलूहियत। ये रब की शान है, मगर ये मेयारे उलूहियत नहीं है। और दूसरा तबका जो है, हर वक्त जो हम पे शिर्क का फतवा लगाता है, उनके नजदीक चूंकि मदद करना अल्लाह होना है, तो उनके नजदीक इस आयत में मेयारे उलूहियत को बयान किया जा रहा है। अब रिजल्ट में फर्क कैसे निकलेगा? अगर यही बस कुरान मजीद से हम साबित कर दें कि ये रब के बंदों का भी है, मजाजन अल्लाह के देने से रब के बंदे भी साबित कदम रखते हैं, तो दूसरी कंपनी के पास भागने की कोई जगह नहीं। क्यों? उन्होंने मददगार होने को अल्लाह होना कहा, तो जब बंदे भी साबित कदम रखें तो बंदे भी उनके बकौल उनकी तारीफ के मुताबिक अल्लाह बन जाएंगे और तौहीद तौहीद नहीं रहेगी। मगर कुर्बान जाए अहले सुन्नत तुम्हारे अकीदे पे, हमें कहीं नदामत नहीं, हमें कहीं शर्मिंदगी नहीं, हमें किसी जगह भी अपने अकीदे के लिहाज से कोई परेशानी नहीं। हम मानेंगे अल्लाह भी साबित कदम रखता है और बंदे भी साबित कदम रखते हैं, क्योंकि साबित कदम रखना अल्लाह होना नहीं, ये तो मदद का शोभा है। रब चाहता है खुद करता है, चाहता है बंदों से करवा देता है। 26वां पारा सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत नंबर 8, इसमें जिक्र किया गया साबित कदम कौन रखता है? सारे बोलो, साबित कदम कौन रखता है? शाह दौला के देश में इकट्ठे होने वाले तौहीद परस्तों, बताओ साबित कदम कौन रखता है? अल्लाह। अब इसी कुरान में नामा पारा देखो, सूरह अनफाल देखो, खालिके कायनात जल्ला जलालहू का फरमान है, रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाता है सूरह अनफाल के अंदर, इस हकीकत को वाजे किया जा रहा है।
خالق کائنات جل جلالہ نے واضح لفظوں میں فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. محبوب یاد کرو اس وقت کو جب تمہارا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کو انی معکم فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا اے فرشتو تم جا کے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو. یہ کوئی دور کی بات نہیں, یہ قرآن ہے اور اس پورے پہ ہمارا ایمان ہے. 26 پارا یہ کہتا ہے کہ اللہ ثابت قدم رکھتا ہے اور 9 پارا یہ کہتا ہے اللہ کے فرشتے بھی ثابت قدم رکھتے ہیں. اب دوسری کمپنی والے دونوں آیتیں پڑھ کے تو دکھائیں, ایک پڑھیں گے تو دوسری نہیں پڑھ سکیں گے, دوسری پڑھیں گے تو پہلی نہیں پڑھ سکیں گے. غلطی کیا ہے؟ انہوں نے استعمار کے کہنے پر توحید کی تعریف بدلی, شرک کی تعریف بدلی. جو معیار الوہیت نہیں تھا اس کو معیار الوہیت بنا دیا. انہوں نے مددگار ہونے کو, حاجت روا ہونے کو, مشکل کشا ہونے کو اللہ ہونا کہا. لہذا ان کے نظریے کے مطابق جب فرشتے ثابت قدم رکھیں گے تو انہیں فرشتوں کو اللہ کہنا پڑے گا. مگر ہمارے نزدیک جب فرشتے ثابت قدم رکھ رہے تھے تو پھر بھی واجب الوجود تو نہیں بنے تھے, پھر بھی معبود تو نہیں بنے تھے, پھر بھی بندے ہی رہے تھے. ہمارا جو معیار الوہیت ہے اس کے لحاظ سے فرشتوں کا اللہ ہونا لازم نہیں آتا, اور ہمارے مخالفین کا جو معیار الوہیت ہے اس کے لحاظ سے فرشتوں کا اللہ ہونا لازم آتا ہے. لہذا ان کے نظریے کے مطابق معاذ اللہ قرآن شرک کی تبلیغ کر رہا ہے, اور ہمارے اصول کے مطابق 26 پارا بھی توحید بتاتا ہے, 9 پارا بھی توحید بتاتا ہے. ثابت قدم رکھنا مشکل کشائی ہے, ثابت قدم رکھنا حاجت روائی ہے, ثابت قدم رکھنا دستگیری ہے, ثابت قدم رکھنا بندہ نوازی ہے. 26 پارا کہتا ہے ثابت قدم کون رکھتا ہے, اور 9 پارا کہتا ہے ثابت قدم کون رکھتے ہیں, اللہ کے فرشتے. اب ایک بھی رب کے سوا مانا جائے اللہ کے ساتھ شریک تو شرک ہو جاتا ہے. اور یہاں بدر میں تو ہزاروں آئے ہوئے تھے ثابت قدم رکھنے والے, ہزاروں مددگار, ہزاروں مشکل کشا, ہزاروں حاجت روا. اور یہ قانون ہے جو توحید ہے ہر دور میں توحید ہے, جو شرک ہے ہر دور میں شرک ہے. اگر بدر کے میدان میں فرشتے مدد کریں تو شرک نہیں, تو گجرات میں شاہ دولہ مدد کریں تو پھر بھی شرک نہیں. اب اس بات پر تھوڑی سی آپ کی توجہ مزید آگے کراتے ہوئے بات کو سمیٹتا ہوں. یہ رب فرماتا ہے کہ فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں, آگے تم جاؤ. تو رب ذوالجلال تو کسی کا محتاج نہیں, وہ کن کہتا تو سب کچھ ہو جاتا. وہ قریش مکہ جن کو صحابہ نے تلواروں سے کاٹا اور فرشتے مدد کو آئے, میرا رب کن کہتا تو مکہ میں ہی وہ سارے مر جاتے. اگر مکہ شریف میں نہیں مارے تھے رستے میں مار دیتا, رستے میں نہیں مارے تھے بدر پہنچا کے مار دیتا, مارے نہیں تھے سلا دیتا, صحابہ ان کو کاٹ دیتے, سلائے نہیں تھے تو بیماری تاری کر دیتا, ان کے آثار سکڑ جاتے, تلواریں چلاتے تو چلا نہ سکتے. آخر اللہ نے ان کاموں میں سے کوئی بھی نہیں کیا, حالانکہ رب کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں. کون کہتا سب جل جاتے, بندر بن جاتے, خنزیر بن جاتے. مگر رب ذوالجلال نے ان کو فری ہینڈ دیا, ہٹے کٹے کھڑے کیے صحابہ کے سامنے اور انہیں کہا تلواریں لے کے چڑھ جاؤ ان پر. اور فرشتوں کو کیا کہا, انی معکم فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا تم ایمان والوں کے ساتھ ہو جاؤ. بات سوچنے کی ہے. آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ بیچ والے کیا ہوتے, یہ وسیلہ کیا ہوتا, یہ بندے اور مخلوق, اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ, یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو میں پوچھتا ہوں ذرا نامہ پارا پڑھو, رب خود بھی مدد کر سکتا ہے. یہ کیوں کہ تفریش تو میں تمہارے ساتھ ہوں, آگے مدد جا کے تم نے کرنی ہے. میں تمہارے ساتھ ہوں, کوئی دوسری بات نہیں. جس کا چاہو ترجمہ اس مقام سے پڑھو, انی معکم فرشتوں تو میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا تم جا کے میرے والا کام کرو, تم جا کے ثابت قدم رکھو, تم جا کے ثابت قدم رکھو.
अगर आज का नजरिया तौहीद होता इन लोगों वाला तो ये इनके मुताबिक तो रब ने बदर में माजल्ला तौहीद का नुकसान तो खुद करवा दिया, मदद खुद करता तो लोग उसकी तरफ मुतवज्जो होते, उसने तो बंदों से करवाई है तो लोग बंदों की तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे। फिर कहते हैं फतावा में माजा जब का लिल्लाह ताला, कुछ दाता साहब चले जाएं कुछ खाजा साहब चले जाएं, अल्लाह के लिए पीछे कौन बचेगा। उनके नजरिए के मुताबिक रब्बे जुल जलाल ये कहते तो फरिश्तों मैं तुम्हारे साथ हूं आगे तुम जाओ, तो फरिश्तों को रब ने मुतारफ करवा दिया मदद करने के लिए, और अपने आप की अपने उस मकाम के लिहाज से माजल्ला उनके बकौल नुकसान कर लिया, जबकि हमारे नजरिए के मुताबिक रब को कोई नुकसान दे ही नहीं सकता, रब का कोई नुकसान कर ही नहीं सकता। बदर के मैदान में फरिश्तों से मदद करवा के रब ने क़यामत तक के लिए अकीदा तौहीद को वाज़े कर दिया। रब्बे ज़ुल जलाल चाहता कौन कहता सब कुछ हो जाता, मगर मकामे तौहीद का इजहार ना होता इस अंदाज में जैसे अब हुआ। वो क्या है कि खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने वाज़े कर दिया कि जब कुरैश मक्का मार खा के वापस लौटेंगे, कुछ उनके मर चुके होंगे कुछ जख्मी होंगे, और कुछ वापस जाके सोचेंगे तो सही कि हम जालिम कितने हैं, हमने अपने बुतों को रब के मुकाबले में रखा हुआ है, हमारे बुत रब के बंदों का मुकाबला नहीं कर सकते, रब का मुकाबला क्या करेंगे। उन्हें होश आएगा कि हम इनको पूछ पूछ के मर गए, बदर के मैदान में ये नहीं पहुंचे, और बदर के मैदान में सहाबा के रब के बंदे भी पहुंच गए हैं, तो जिसके बंदे इतने ताकतवर हो वो खुद कितना ताकतवर होगा, खुद उसकी कुदरतें कितनी कामिल होगी। इस वास्ते फरिश्तों से मदद करवा के रब्बे ज़ुल जलाल ने काफिर दिमाग को पैगाम भेज दिया कि मैं जिन्हें मदद का मजर बनाऊं उनका मुकाबला कौन नहीं कर सकता, मेरा मुकाबला कौन करेगा। और साथ ही इस चीज को वाज़े कर दिया कि अगर बदर के मैदान में अल्लाह और बंदों के दरमियान फरिश्ते वसीला बन जाएं तो शिर्क नहीं होता, तो लाहौर में अल्लाह और बंदों के दरमियान दाता वसीला बन जाए तो फिर भी शिर्क नहीं होगा, गुजरात में अल्लाह और बंदों के दरमियान शादौला वसीला बन जाए तो शिर्क नहीं होगा। इस वास्ते जो तौहीद है हर दौर में तौहीद है, और जो शिर्क है हर दौर में शिर्क है। यह है मेयार उलूहियत के लिहाज से मैं ऐसी 100 आयात पेश करके उनके अकीदे को दफन कर चुका हूं जिन्होंने जाली शिर्क बनाने के लिए अल्लाह के मर्तबे को खींच के माशाल्लाह नीचे लाके अल्लाह वालों के साथ मिक्स करके शिर्क का जुमला कसना चाहा, हालांकि खींच के नीचे ला नहीं सकते लेकिन उधार खाए हुए हैं कि यह साबित करें कि देखो इन्होंने बलियों को उठा के रब तक पहुंचाया है। मैं बबांगे दोहल कहता हूं अहले सुन्नत व जमात ने अंबिया अलैहिस्सलाम को उलूहियत के मर्तबे तक नहीं पहुंचाया ना पहुंचा सकते हैं, औलिया को उठा के उलूहियत की हुदूद में दाखिल नहीं किया ना कर सकते हैं। उन जालिमों ने उलूहियत को खींच के नबूवत के साथ मिक्स करना चाहा, उन जालिमों ने उलूहियत को खींच के विलायत के साथ मिला के जो शान नबियों बलियों को भी मिल सकती है उनको खुदा होना करार देके उन्होंने जाली शिर्क साबित करना चाहा। अल्लाह का फजल है हमने इस धांधली का पर्दा चाक कर दिया है। अब इसकी एक मिसाल कुरान से पेश करते हुए आगे इसकी तफसील के लिए फिर दूसरे हवाला जात की तरफ जाऊंगा। अब देखिए कुरान मजीद बुरहाने रशीद में खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू का फरमान है, और खालिक़े कायनात फरमाता है आयत नंबर 62 है सूरह अनफाल रुकू नंबर 4, रब्बे ज़ुल जलाल का फरमान है वइन युरीदू अन यखदउका فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن یہ ہمارا ایمان ہمارے مسلک کی بنیاد شعر یا قصے پہ نہیں، رب کعبہ کی قسم اتنی پختگی فلات میں نہیں جتنی ہمارے اعتقاد میں ہے، اور اتنی پختگی چٹانوں میں نہیں جتنی ہمارے ایمانوں میں ہے۔ یہ میں قرآن پیش کر رہا ہوں، سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے हमारी दलील का कोई जवाब नहीं दे सकता। रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है वइन युरीदू अन यखदउका, और अगर वो इरादा करें ऐ महबूब तुझे धोखा देने का फइन हस्बकल्लाह
बेशक महबूब तुम्हारे लिए अल्लाह काफी है। सारे बोलो तुम्हारे लिए अल्लाह, तुम्हारे लिए अल्लाह, तुम्हारे लिए अल्लाह। ऐ तौहीद परस्तों घूम पड़ जाए, तुम्हारे लिए अल्लाह काफी है। ये रब्बे जुल जलाल फरमा रहा है महबूब अगर वो मुनाफिक धोखा देते हैं कर ले जो को करना है, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फइन हस्बकल्लाह, बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह। अब अल्लाह काफी होने का मतलब क्या है? शायद कोई खुश हो रहा हो हमारे वाली तकरीर उन्होंने भी शुरू कर दी। मैंने कहा नहीं, वो अब हमारे वाली करना शुरू हो गए, हम तो अपने बड़ों वाली कर रहे हैं शुरू से ही। तुम्हारे लिए अल्लाह काफी है, इसका एक मतलब वो है जो आज स्टिकर छाप के ममाती बयान करे, एक मतलब वो है जो स्टिकर छाप के गैर मुकल्लद बयान करे, और एक मतलब वो है जो अर्श से उतरा है। हौसला रखना सुन्नियों, हम उन्हें भागने नहीं देंगे। फइन हस्बकल्लाह, बेशक महबूब तुम्हारे लिए अल्लाह काफी है। अल्लाह के काफी होने का मतलब क्या है? अल्लाह अपनों की नफी नहीं कर रहा, गैरों की नफी कर रहा। महबूब अगर अब्दुल्ला बिन उबै इब्न सलूल तुम्हारा झंडा नहीं उठाता तो कोई बात नहीं, अबू बकर सिद्दीक जो उठाने के लिए मौजूद है। महबूब तुम्हारे लिए अल्लाह काफी है। बरमला कह रहा हूं, अल्लाह काफी है से नफी है उतबा की, शैबा की, लात मनात की, अब्दुल्ला बिन उबै इब्न सलूल की। ना नफी हजरत सिद्दीक की है, ना हजरत फारूक की है, ना हजरत उस्मान की है, ना हजरत अली की है रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। बल्कि अगला हिस्सा आयत का ये वाज़े करता है, वल्लज़ी अय्यदका बिनसरिही वबिल मोमिनीन। वो अल्लाह वो है महबूब जिसने तुम्हारी मदद की, जिसने तुम्हारी कैसे? दो तरह से, बिनसरे ही अपनी मदद से, व बिल मोमिनीन मोमिनीन की मदद से। देखो कुरान, रात का तजल्लियात का मंजर है, ये वलियों के देश की सुहानी रात है। ये मेरे हाथ में कुरान है, पढ़ो सारे, हुवल्लजी अय्यदा का बिनसरे ही बिल मोमिनीन। मैं कहता हूं बरमला, जिन लोगों ने कहा अल्लाह मदद बाकी सब शिर्क और बिदत, मैं कहता हूं ये नारा कुरान से मुतसादिम नारा है, ये नारा कुरान से टकराने वाला नारा है, और कुरान से जो टकराता है खुद ही पास पास हो जाता है। क्योंकि वो ये कह के कि अल्लाह मदद बाकी सब शिर्क और बिदत, बाकी साहब में किसको दाखिल करते हैं? दाता साहब को, गौस पाक को, बाकी साहब में खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाखिल करते हैं, और ये इनका घड़ा हुआ मतलब है। कुरान क्या कहता है? हुवल्लज़ी, वो अल्लाह वो है, अय्यदा का, जिसने तुम्हारी महबूब ताईद की, कैसे? दो तरह, बिनसरे ही अपनी मदद से, व बिल मोमिनीन मोमिनीन की मदद से। अब मैं पूछता हूं, अल्लाह मदद तो आ गया बेनसर ही में, और बिल मोमिनीन में जिक्र किसका है? अल्लाह मदद का जिक्र है बेनसर ही में, व बिल मोमिनीन में जिक्र किसका है? जो कहते हैं बाकी सब शिर्क और बिदत, उनको दावत है क़यामत तक वो साबित करे कि यहां नफी हो हजरत सिद्दीक अकबर की, नफी हो हजरत मौला अली की, नफी हो हजरत गौसे जली की, नफी हो हजरत दाता वली की। मैं सीना तान के कह रहा हूं, यहां नफी गैरों की है, नफी अपनों की नहीं है। अल्लाह फरमाता है मैं खुद भी मदद करता हूं, अपनों से करवा भी देता हूं। इस चीज को अच्छी तरह याद कर लीजिए, अगर वो तबका कुरान से बबिल मोमिनीन नहीं मिटा सकता और नहीं मिटा सकेगा, तो फिर ये अकीदा भी हमारे सीनों से नहीं मिट सकता।
وبل مومنین قرآن میں ہے، بل مومنین ہمارے ایمان میں ہے، اور توجہ کرو وہ لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ رب سب کچھ دیتا ہے، تو پھر داتا صاحب کیا لینے جاتے ہو، پھر شاہ دولہ کیا لینے جاتے ہو، پھر یہ کیوں کہتے ہو بھر دو جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تم سے کہتے ہیں تو بھولے سنیوں خوشبو کی دیگ کا ڈھکن تم بھی اتار دو، وہ بدبو والے بدبو پھیلا رہے ہیں، خوشبو والو خوشبو پھیلاؤ، اور ان سے پوچھو جب بنصر ہی میں رب کی مدد کا ذکر آ گیا تو اللہ کی مدد کے بعد کمی کیا رہ گئی تھی کہ بالمومنین کا ذکر کیا گیا، یا تو رب مدد کرے اور پیچھے کوئی تھوڑ رہ جائے تو کسی اور کا ذکر ہو، رب مدد کرے اور پیچھے کوئی کمی رہ جائے تو پھر کسی اور کا ذکر ہو، یا یہ ہے کہ رب کا دروازہ بند ہو جاتا ہو تو کسی اور کی ضرورت ہو، یا وہ سو جاتا ہو دورے پہ جاتا ہو تو کسی اور کی ضرورت ہو، وہ نہ سوتا ہے نہ دورے پہ جاتا ہے، نہ بیمار ہوتا ہے، نہ خزانوں میں کمی ہے، تو وہ مدد کر دے تو پھر اور کسی کا توکی کوئی نہیں بنتا، تو رب کیوں کہتا ہے بنصر ہی وبالمومنین، اب ان کو اس آیت کا جواب دینے کے لیے پہلے سنی ہونا ضروری ہے، جو سنی نہیں ہو سکتا قیامت تک یہ جواب نہیں دے سکتا، قیامت تک قرض رہے گا، کوئی دہریا کہہ سکتا ہے تم اچھے رب کو مانتے ہو کہ وہ خود ساری مدد کر ہی نہیں سکتا، کچھ خود کرتا ہے کچھ اوروں سے کرواتا ہے، مدد ان سے لیتا ہے کرواتا ہے، معاذ اللہ، جب تک کوئی سنی نہ بنے اس آیت کا جواب نہیں دے سکتا، اور جواب صرف سنی زبان ہی دے سکتی ہے، وہ کیا جواب ہے، جواب یہ ہے کہ بالمومنین میں مدد غیر کی نہیں اللہ ہی کی مدد ہے، اگر بالمومنین میں مدد غیر کی ہوتی تو اعتراض صحیح تھا کہ رب کی مدد کی ہوتے ہوئے اور کی غیر کی مدد کی ضرورت کیا ہے، قرآن نے واضح کیا ہے بالمومنین میں بھی مدد رب کی ہی ہے، لہذا بالمومنین کی مدد سے یہ لازم نہیں آئے گا کہ رب کی مدد میں کوئی کمی ہے، صرف رب کی مدد کی قسمیں دو ہیں، کبھی واسطے کے بغیر کرتا ہے، کبھی واسطے کے ساتھ کرتا ہے، یہ مرضی اس کی ہے، اس پر کوئی لازم نہیں کر سکتا کہ تو نے یوں ہی کرنی ہے، اس کی شان ہے، کبھی مدد کرتا ہے واسطے کے بغیر کرتا ہے، اور کبھی مدد کرتا ہے واسطے کے ساتھ کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم اس جواب کے ساتھ سوا کوئی جواب نہیں، اگر اللہ وسیلے کے بغیر مدد کرے تو بنصر ہی ہوتا ہے، وسیلے کے ساتھ کرے تو بالمومنین ہوتا ہے، مدد اسی کی ہے، قسمیں دو ہیں، کبھی وسیلے کے بغیر کبھی وسیلے کے ساتھ، وسیلے کے بغیر ہو تو بنصر ہی ہے، وسیلے کے ساتھ ہو تو بالمومنین ہے، لہذا کوئی دہریا اعتراض کرے گا ہم اس کے منہ پہ ماریں گے کہ بنصر ہی کوئی غیر کی طاقت نہیں اللہ ہی کی طاقت ہے، اور بالمومنین بھی غیر کی طاقت نہیں اللہ ہی کی طاقت ہے، صرف قسمیں دو ہیں، وہ چاہتا ہے خود کرتا ہے، چاہتا ہے کسی کو مدد کا مظہر بناتا ہے، اب جواب وہ دے سکے گا جو رب کے سوا کسی کو مجازی مددگار مانتا ہے، وہ جواب دے سکے گا، اور وہ صرف سنی ہے، اس بنیاد پر اب وہ جو کہتے تھے تم داتا صاحب کیا لینے جاتے ہو، تم مدینہ شریف کیا لینے جاتے ہو، تو آیت نے سکھایا داتا صاحب کے پاس اپنا فضل نہیں اللہ ہی کا فضل ہے، مدینہ شریف اپنا فضل نہیں اللہ ہی کا فضل ہے، اس واسطے یہاں سے بھی مانگے خدا دے دیتا ہے، وہاں جا کے محبوب کے صدقے مانگے پھر بھی جھولیاں بھر دیتا ہے، اس مختصر سی تمہید کے بعد اب اس چیز کو ہم نے بیان کرنا ہے کہ اس امت میں شرک جلی والی کوئی بیماری ہے ہی نہیں، شرک جلی کی کوئی بیماری، بولو کوئی بیماری، امکان تو ہر چیز کا ہوتا ہے، امکان تو یہ بھی ہے کہ کوئی بدبخت اللہ ہونے کا دعویٰ کر دے، مگر جو بالعموم فضا ہے، جو امت کا مزاج ہے، وہ کتنا پکا ہے، بلکہ میں تو چیلنج کے طور پر کہتا ہوں جس امت نے اپنے نبی علیہ السلام کے بعد، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
कोई मुद्दई नबूवत उसकी नबूवत नहीं चलने दी। सरकार के बाद जो नबी मानने को तैयार नहीं, अल्लाह के होते हुए अल्लाह कैसे मान जाएंगे किसी को? ये रिकॉर्ड पर बात है। इस उम्मत ने खत्म नबूवत पर जो पहरा दिया कि जिन्हें नबूवत मिल गई पहले मिल गई, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की दुनिया जलवा गली के बाद कोई नबी नहीं हो सकता। अब ये तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा किसी को नहीं मान रहे, ये अल्लाह जैसा किसी को मान कैसे जाएंगे? इस वास्ते ये अपने अकीदा तौहीद पर कायम है और वो इम्कान है, लेकिन जो डूब जाए इलाके शहर शिर्क में, शिर्क जली में, हर चीज ऐसा नहीं है। और इस सिलसिला में मैं तुम्हारे सामने बुखारी शरीफ की वो हदीस शरीफ पेश कर रहा हूं जिसमें सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है। ये जिल्द नंबर 3 है बुखारी शरीफ की, सफा नंबर 998 है और हदीस नंबर 4085 है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान है, वइन्नी वल्लाही मा खाफ अलैकुम अन तुशरिकू बादी, पर खुदा की कसम मुझे मेरे बाद तुम्हारे मुशरिक होने का कोई खतरा नहीं है। वइन्नी वल्लाही मा खाफ अलैकुम अन तुशरिकू बादी, अलैकुम ये सिर्फ सहाबा को खिताब नहीं था, ये क्यामत तक की उम्मत को खिताब था। और ये फरमाया वलाकिन्नी अखाफ अलैकुम अन तनाफसू फीहा, मुझे दुनिया की मोहब्बत में तुम्हारे डूब जाने का तो खतरा है मगर तुम्हारे मुशरिक होने का कोई खतरा, सारे बोलो मुशरिक होने का कोई खतरा नहीं है। यहां कुछ लोग सीना जोरी करते हैं हमारी उस पर घंटों की बात, वो कहते हैं सिर्फ सहाबा की बात है। मैं कहता हूं आयत पढ़ो, कुन तुम खैर उम्मत अखरिजत लिन्नास, वहां भी खिताब सामने तो सहाबे बैठे थे कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, मगर उस तबके से पूछो तो आज भी अपने जड़सों में कहते हम बेहतरीन उम्मत हैं। मैं कहता हूं कुन तुम में तुम कैसे छुप गए? कुन तुम खैर उम्मत, अगर कुन तुम में तुम छुप गए हो तो फिर वल्लाहे ला खाफ अलैकुम में हम छुपे हुए हैं। महबूब अलैहिस्सलाम ने वाज़े फरमा दिया, खुदा की कसम, खुदा की कसम मुझे क़यामत तक आने वाले मेरे गुलामों तुम्हारे मुशरिक होने का कोई खतरा नहीं है। इस सिलसिला में इसकी तफसील के लिए मैं इख्तिसार से मुस्तदरक लिल हाकिम से तुम्हारे सामने हदीस पेश कर देता हूं जिसमें सिर्फ कुम की बात नहीं पूरी उम्मत की बात है। यहां तो बहाना कर गए उम्मत के दुश्मन कि उम्मत की बात नहीं सिर्फ सहाबा की बात है। मैं कहता हूं मैं लफ्ज उम्मत दिखाऊंगा हदीस से, उम्मत पर सरकार को शिर्क का कोई खतरा नहीं था। और ये हदीस शरीफ मुसनद इमाम अहमद में भी मौजूद है और इसके सिवा मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर भी मौजूद है और इसके सिवा बहकी शोबे ईमान में भी मौजूद है, हिलियतुल औलिया में भी मौजूद है। ये इब्ने माजा की हदीस नंबर 4205 है और बहकी शोबे ईमान की हदीस नंबर 6830 है, हिलियतुल औलिया जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 247 पर है। यहां ये मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर ये हदीस शरीफ 3397 नंबर पर है। ये दोनों किताबें मेरे हाथ में हैं, एक हाथ में मुस्तदरक लिल हाकिम है, दूसरी में मुसनद इमाम अहमद बिन हंबल है। सनद की जिम्मेदारी कबूल करते हुए अहले गुजरात तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। इमाम हाकिम ने इसके आखिर में लिखा हाजा हदीसुन सही उल इसनाद, ये सही उल इसनाद हदीस है। इस पर मेरे पास मुतअद्दद शवाहिद भी मौजूद है। अब देखो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने क्यामत तक के गुलामों को हौसला बख्शा और क्यामत तक के गुलामों की बात की। इस हदीस शरीफ में यह जिक्र है, हजरत उबादा बिन नुसई कहते हैं, दखल तोला शद्दाद बिन औस रदियल्लाहु अन्हु फी मुसल्लाहु व हुवा यबकी, मैं हजरत शद्दाद बिन औस रदियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल अलैहिस्सलाम के पास गया, वो अपनी जाय नमाज में बैठे रो रहे थे। फकुल तो या अबा अब्दुर्रहमान मल्लज़ी यबका का, मैंने पूछा ए शद्दाद रोते क्यों हो? उन्होंने कहा हदीस सुन, समेत हूं मेरे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हदीस मैंने सरकार से सुनी है उसकी वजह से मैं रो रहा हूं। फकुल तो वमा हुआ, मैंने कहा वो हदीस कौन सी है? काला बैनमा आना इंदा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मैं सरकार के पास बैठा था, महबूब गमगीन थे, मैंने पूछा महबूब गम क्यों है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अमरुन अतखवफहु अला उम्मती मिन बादी, मुझे एक चीज का गम है, एक चीज का अतखवफहु अला उम्मती, सिर्फ सहाबा की बात नहीं उम्मत की बात है, मुझे सहाबा की बात नहीं उम्मत की बात है, अतखवफहु अला उम्मती, मुझे उम्मत पर एक चीज का खतरा है और मैं वो सोच रहा हूं तो मैं गमगीन हूं कि जब वो चीज आएगी तो उम्मत का क्या हाल होगा। अब तवज्जो रखना, यहां लफ्ज क्या बोला गया है, उम्मत, अतखवफहु अला उम्मती, उम्मत का लफ्ज है, क्यामत तक जितने भी आएंगे सब पर उम्मत का इतलाक बाजे तौर पर होता है। अब थोड़ा सा इसमें हौसला भी रखना है, कहीं ये ना समझना कि आगे मजमून क्या आ गया है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे अपनी उम्मत पर एक चीज का खतरा है, उस वजह से मैं गमगीन हूं। हजरत शद्दाद कहते हैं कुल तो वमा हुआ, महबूब किस चीज का खतरा, किस चीज का खतरा, तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अश्शिर्क, मुझे शिर्क का खतरा है और शाबत खफिया का खतरा है। क्या बोला, मुझे किसका खतरा है, सारे बोलो कहा किसका खतरा है, किसका खतरा है, शिर्क का खतरा है। अब जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया शिर्क का खतरा है, तो अब हजरत शद्दाद जो कुछ पहले पड़े हुए थे आपस में तारुज आ गया कि पहले यह है कि मुझे तो कोई शिर्क का खतरा है ही नहीं, और यहां यह है कि मुझे उम्मत पर शिर्क का खतरा है, लफ्ज़ उम्मत ज़हन में रखना है, फौरन बात वाज़ेह हो जाएगी। अब कहते हैं कुल तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतुश्रिकु उम्मतुका मिन बादिका, तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपकी उम्मत आपके बाद शिर्क करेगी, यह सवाल कर दिया सहाबी ने, अगर वो ना करते आज हम कहां जाते, ये हमारी बातें तस्लीम ना करते, मैं तुम्हारे सामने ये सरकार के फरमान की किताबें लेकर बैठा हूं, अतोश्रे को उम्मतों का मिम्बादी का, महबूब क्या आपके पास आपकी उम्मत शिरक करेगी, सरकार ने फरमा भोले शक्दार मैंने कुछ और कहा तुम कुछ और समझ गए, तुम समझ गए कि शिरक चली करेगी, नहीं मैं शिरक कुछ और कह रहा हूं, अब सुनो अबा इन्हों ला याबुदूना शमसा वला कमरा वला शजरा वला हजरा वला हुस्ना, फरमा खबरदार बेशक कयामत तक मेरी उम्मत न चांद को पूजेगी, न सूरज को पूजेगी, न पत को पूजेगी, न दरख्त को पूजेगी, न पत्थर को पूजेगी, लाकी युराउन नास बिआमालिहिम, ऐ शद्दाद जिसे मैंने शिर्क कहा वो रियाकारी है, रियाकारी मेरी उम्मत में आ जाएगी, यानी शिर्क खफी आ जाएगा, शिर्क जली नहीं आएगा। तो यहां लफ्ज उम्मत है, लफ्ज उम्मत के लिहाज से मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने वाज़े फरमा दिया, ये मेरे हाथ में हदीस शरीफ है, फरमा इन्नहुम ला याबुदूना शमसा वला कमरा वला वसना वला हजरा, ये सरकार पूरी उम्मत के बारे में जमानत दे रहे हैं, मेरी पूरी उम्मत चांद नहीं पूजेगी, पूरी उम्मत सूरज नहीं पूजेगी, पूरी उम्मत पत्थर नहीं पूजेगी, पूरी उम्मत बुत नहीं पूजेगी। फरमा फिर मैंने शिर्क किसे कहा, सरकार कहते हैं मैं शिर्क इसको कह रहा हूं कि वो रियाकारी करेंगे, उनमें रिया आ जाएगा, युराउन नास बिआमालिहिम, रिया करेंगे। तो हज़रत शद्दाद कहते हैं मैंने कहा या रसूल अल्लाह अर्रिया शिर्कुन हुआ, क्या रिया भी शिर्क है, काल नाम, तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हां रिया भी शिर्क है। अब देखो सवालों जवाब से बात पक्की हो गई, शिर्क की दो किस्में हैं, एक है शिर्क जली, एक है शिर्क खफी। शिर्क जली के बाद बंदा उम्मत नहीं रहता, शिर्क जली के बाद बंदा मुसलमान नहीं रहता, शिर्क जली के बाद उसकी बीवी उसके निकाह से निकल जाती है, मगर शिर्क खफी जो रिया है इससे बंदा मुशरिक नहीं बनता। शिर्क खफी रिया से बंदे की बीवी निकाह से नहीं निकलती। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने वाजे फरमा दिया कि जो मैंने फरमाया था इन्नी बल्लाहे मा अखाफ अलैकुम अन तुशरिकू बादी, कि मुझे
मेरे पास तुम्हारे मुशरिक होने का कोई खतरा नहीं है, उससे मुराद है शिर्क जली। और जहां कह रहा हूं कि मुझे उम्मत पर शिर्क का खतरा है, इससे मुराद है शिर्क खफी। और यही हमारा ऐलान है कि इस उम्मत की बीमारी शिर्क जली नहीं, रियाकारी है, हुब्बे दुनिया है। इसके खिलाफ जिहाद जरूरी है, लेकिन इससे पहले यह लाजम है कि उम्मती उम्मती रहेगा, मुशरिक नहीं बनेगा, उम्मती उम्मती रहेगा, काफिर नहीं बनेगा, उम्मती उम्मती रहेगा। और फिर दुनिया की मोहब्बत के लिहाज से उसका इलाज किया जाएगा। तो बबांगे दोहल उम्मती के लफ्ज ने यह वाजे कर दिया कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम को क़यामत तक उम्मत में बुत परस्ती वाले शिर्क का कोई खतरा नहीं था, रियाकारी का खतरा था, और उसको तस्लीम किया जा रहा है और उसके खिलाफ जिहाद लाजिम है। लिहाजा जो बगले बजा रहे थे कि वो सिर्फ सहाबा की बात है, बाद वालों की बात नहीं, मैंने 5 हवालों से सनद की जिम्मेदारी के साथ यह वाज़ह कर दिया है कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम को उम्मत पर शिर्क जली का, बुत परस्ती का, चांद परस्ती का, शजर परस्ती का कोई खतरा नहीं था। खतरा था तो रिहाकारी का खतरा था, जो बीमारी आई हुई है, लेकिन उसकी वजह से बंदा मुर्ताद नहीं होता, फिर भी मुसलमान ही रहता है। इस चीज को थोड़ा सा मजीद वजाहत से बयान करते हुए, ताकि कहीं तुम किसी चौक में खड़े हो, तुम्हें कोई अपनी जगह से जुम्बश ना दे सके। लोग यहां से लेकर नजद तक जो लिटरेचर छपता है, उसमें एक हदीस शरीफ पेश करते हैं। उस हदीस शरीफ में यह पेश करते हैं कि क्यामत से पहले फिर शिर्क होगा, कुछ कबीले लात उज्जा की बंदगी शुरू कर देंगे। किसकी बंदगी? लात उज्जा की। तो हमें कहने लगे वो लोग, देखो तुम कहते हो कि शिर्क खफी या शिर्क जली नहीं, लात उज्जा की बंदगी तो शिर्क जली है, तो फिर उम्मत में शिर्क जली आ जाएगा। और जिस तरह जियाल हक ने रिफरेंडम करवाया था, तो मतलब क्या, शिर्क जली आएगा तो फिर हमारी खिदमत की जरूरत है, फिर हमारी तनख्वाहें, फिर हमारी हुकूमतें, फिर हमारा जवाब है दुनिया में जिंदा रहने का, फिर हमारी जरूरत है। तो मैं उस हदीस को पेश करके उनको वो जवाब दे रहा हूं जो क्यामत तक उसका जवाब इंशाल्लाह नहीं दे सकेंगे। वो हदीस सही मुस्लिम शरीफ में है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम का वो फरमान, सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं। कुर्बान जाए हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के इल्मी मकाम पर, अगर वो ना पूछती आज हमारे लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता। उन्होंने पूछा, जवाब देना आसान हो गया है। ये मुस्लिम शरीफ के अंदर जो ज़राबे में उसका तस्करा मौजूद है, सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर इसका जिक्र किया है। यह हदीस नंबर 2907 है, सही मुस्लिम। तवज्जो रखना, जाग के सुनना और जाग के सुनाना, यह मुस्लिम है। उनके पास जो एटम बम है शिर्क साबित करने का, अब देखो दौड़ लगी हुई है, वो कहते हैं उम्मत मुशरिक है, हम कहते हैं नहीं, उम्मत तौहीद परस्त है। कितनी बेशर्मी, उम्मत भी कहते हैं फिर मुशरिक भी कहते हैं, कहते जो मुशरिक हो उम्मत ही कैसे सरकार करा, वो कहते उम्मत मुशरिक है। इदारा सिरात मुस्तकीम की तहरीक यह, उम्मत मुशरिक नहीं, उम्मत तौहीद परस्त है। इस वास्ते हमारी किताबें छप गईं, अकीदे तौहीद और उम्मत तौहीद, अकीदे तौहीद की निगाहबान। हम अकीदे तौहीद के गयूर सिपाही और अकीदे तौहीद की शाहराह, इसके लिहाज से ये मुख्तलिफ जो किताबें हमारी सताल पे मौजूद हैं, इसमें अब ये देखें ये मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ में लिखा क्या है। अन आयशा हताशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, कालत समेत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी अलैहिस्सलाम से सुना, ला यज़ाबुल लैल वन नहार हत्ता तुअबद लात वल उज्जा, कि दुनिया उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक कि लात उज्जा की फिर बंदगी ना हो जाए। यह लफ्ज है हदीस, ला यज़ाबुल लैल वन नहार हत्ता तुअबद लात वल उज्जा, कि रात दिन नहीं जाएंगे, यानी क्यामत नहीं आएगी यहां तक कि फिर लात और उज्जा की बंदगी शुरू हो जाएगी। तो कहने लगे लात उज्जा की बंदगी तो शिर्क जली है, तो पता चला ये उम्मत फिर मुशरिक हो जाएगी। तुम कहते हो कि शिर्क नहीं है, हमें वो कहते हैं और कहते हैं, हम कहते हैं शिर्क है, वो जो हमसे डायलॉग कर रहे हैं तो अपनी दलील ये पेश करके खुश है, देखो शिर्क साबित हो गया। हमारा जवाब, हमारी हुकूमतों का जवाब,
कि उम्मत में शिर्क है, हम उसका इलाज कर रहे हैं, ये हमें ताने देने लगे। अब मैं इसका जवाब दे रहा हूं, कमजोर इंसान हूं, दामाने हाफिज हदीस को थामते हुए अता मोहम्मद बंदयालवी की महफिल तदरीस की तरफ देखते हुए शेख अब्दुल करीम मोहम्मद मुदर्रतुल बगदादी गौसे पाक के गुंबद के नेरे साया उनकी मजलिस फिका की तरफ तवज्जो करते हुए मैं ये जवाब दे रहा हूं। क्या जवाब है? जब नबी अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया था कि क्यामत से पहले फिर लातुज़्ज़ात की बंदगी शुरू हो जाएगी, कालत सैयद आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अनहा कहती है, कुल तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कुंतु लअज़ुन्नु हीना अनज़लल्लाह हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु लिद्दीन कुल्लिही वलो करिहल मुशरिकून। महबूब, जब ये आयत नाजिल हुई थी कि वो अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ भेजा और दीन हक के साथ भेजा ताकि दीन को हर दीन पे गालिब कर दे अगरचे मुशरिकों को नापसंद लगे, मेरे आका ये आयत पढ़ के मैं तो समझ चुकी थी और मेरा अकीदा है कि अब शिर्क नहीं होगा, दीन गालिब तभी होगा कि जब फिर शिर्क नहीं होगा। मैं तो इस आयत से समझ चुकी कि शिर्क की जड़ें कट गई, अब इस उम्मत में शिर्क नहीं होगा, ये दीन हर दीन पे गालिब हो जाएगा। लेकिन महबूब, आज वाली हदीस सुनी तो पता चला कि क्यामत से पहले कुछ कबीले फिर लात उज़्ज़ा की बंदगी शुरू कर देंगे, तो फिर तो पता चला कि शिर्क फिर उम्मत में आ जाएगा। अब जवाब सुनो मेरे नबी अलैहिस्सलाम, क्या खूबसूरत जवाब। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, काला का सुनो आयशा, मेरी दोनों बातें सच्ची हैं, मेरी दोनों बातें सच्ची हैं, मेरी उम्मत मुशरिक नहीं बनेगी और क्यामत से पहले कुछ कबीले शिर्क करेंगे, दोनों बातें मेरी सच्ची हैं। अंदाज क्या है? फरमाया इन जाले का तामा, मेरा दीन मुकम्मल होगा, इन नौ सयकून मिन बाद जाले का मिन जाले का माशाल्ला, जब तक चाहेगा दीन बढ़ता जाएगा। सुम्मा यबअसुल्लाहु रीहन तय्यबा, फिर अल्लाह एक पाक हवा भेजेगा। कैसी हवा? सारे बोलो कैसी हवा? रीहन तय्यबा, प्लीद हवा नहीं, शिर्क वाली नहीं, पाक हवा। अल्लाह पाक हवा भेजेगा तो फिर क्या होगा? फरमाया फतवफी या कुल्लो मनफी कल्बिही मिसकालो हब्बत खर्दल मिन ईमान, जिसके दिल में राई जितना भी ईमान हुआ वो फौत हो जाएगा। अब देखना हदीस से कि शिर्क कब होगा। फरमाया अल्लाह एक पाक हवा भेजेगा जिसके दिल में राई जितना भी ईमान हुआ वो फौत हो जाएगा। फयब का मल्ला खैर फीहे, फरमाया उसके बाद जमीन पर सिर्फ वो होंगे जिनके सीने में राई जितना ईमान भी नहीं होगा, जिनके सीने में राई जितना ईमान भी। तो फिर फरमा फयर्जून इला दीन आबाएहिम, वो जिनके सीने बंजर हो जाएंगे, राई जितना ईमान भी नहीं होगा, वो अपने आबा के दीन की तरफ लौट जाएंगे। अब देखो जवाब कैसे बना। ये लोग दलील दे रहे हैं कि कहते हैं पिछली सदी में भी शिर्क, उससे पिछली में भी शिर्क, सहाबा तक शिर्क, अब भी शिर्क। और हदीस क्या कहती है? हदीस कहती है उस वक्त लात उज़्ज़ा की बंदगी अब होगी जब जमीन पर एक साहिब ईमान भी मौजूद नहीं होगा, एक साहिब ईमान भी मौजूद। तो क्या अब एक भी मौजूद नहीं है? मैं उनसे पूछता हूं जो इस वक्त पर इस हदीस को फिट करके बगले बजाते हैं कि शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है, मैं कहता हूं शिर्क नहीं, शिर्क नहीं, सिर्फ तुम्हें शिर्क फोबिया हो चुका है, शिर्क नहीं है। अब देखो काबे के गिर्द तवाफ करने वाले कितने हैं, हज के मौसम में हाजी कितने हैं, रमजान के मौसम में नमाजी कितने हैं, आगे पीछे भी मस्जिदें भरी हुई हैं, कुरान के कारी कितने हैं। वो जिसमें शिर्क का जिक्र किया गया कि आ जाएगा, वो तब है जब उम्मत नहीं होगी, जब एक भी साहिब ईमान मौजूद नहीं होगा, उस वक्त फिर शिर्क आएगा,
उस वक्त कुछ कबीले जिनके दिल में ला हयाफी है, राय जितना भी ईमान नहीं, वो लाख उस्सा की तरफ लौटेंगे। ये उम्मत अपनी उम्र पूरी कर चुकी होगी। लिहाजा मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा घबराने की बात नहीं, मेरा दीन गालिब हो के रहने वाला है। अब मुश्किल तकरीर जो थी वो गुजर गई, इसकी अब चंद मिसालें आपके सामने पेश करते हुए, चूंकि नजरिया जो उसूल था मैंने वाज़ह किया, अगरचे दलाइल और भी है कि ये उम्मत उम्मत शिर्क नहीं, उम्मत तौहीद है, उम्मत तौहीद है। अब वो जिन वजूह से हम पर शिर्क का फतवा लगाते हैं उनमें से एक क्या है, मजारात पे जाना, कब्रों पे जाना और फिर मदद चाहना, इसको वो शिर्क की बुनियाद बनाते हैं। अब इस लिहाज से सहाबा से बात शुरू करता हूं और गुजरात तक आऊंगा, लेकिन घबरा ना जाना, मुख्तसर वक्त में इंशाल्लाह जल्दी जल्दी हम अपना सफर मुकम्मल करेंगे। इस सिलसिला में मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, ये मेरे पास मौजूद है, इसके अलावा फतुल बारी शरे बुखारी मौजूद है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हो चुका था और कात पड़ गया जमाना, हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो का है। ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, इसके अंदर सातवीं जिल्द में ये सफा नंबर 482 है। मालकेदार से रवायत है, वो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला के वजीर खजाना थे, बड़े सच्चे सुच्चे आदमी हैं। हजरत उमर फ्राडियों को वजीर खजाना बनाने वाले नहीं थे, सच्चे आदमी को था कि सनद पर कोई एतराज ना करे। काला असाबन नासा कहतुन फी जमन उमर, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के अहद खिलाफत में नबी अलैहिस्सलाम के विसाल को कई साल गुजर चुके हैं, क्या हुआ, कहत पड़ गया। फजा राजुलन, एक बंदा आया, इला कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार के रोजा पाक के पास। फकाला, उसने कहा, क्या कहा, वही नारा जो तुम लगाते हो, होश से सुनना, हमने घड़ा कुछ नहीं, हमने तो सिर्फ पढ़ा है। काला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहां खड़े हो कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम की दहलीज पर लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, और मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। ये फतुल बारी में लिखा है कि हजरत बिलाल बिन हारिस थे सहाबी रसूल अलैहिस्सलाम, कहत पड़ गया, मुश्किल है, कहां गए नबी अलैहिस्सलाम की दहलीज पर, क्या कहा, या से आवाज दी। अगर बाद अज़ विसाल महबूब अलैहिस्सलाम को या से पुकारना नाजायज होता, नाजायज होता, तो सहाबी क्यों पुकारते। उनका अकीदा है कि जिंदा भी है, सुनते भी हैं और सुन के मदद करते भी हैं, लिहाजा उन्होंने ये अल्फाज बोले, कहते या रसूल अल्लाह इस तस के लिए उम्मते का फइन्नहुम कद हलाकू, महबूब अपनी उम्मत के लिए बारिश का बंदोबस्त करवाइए, उम्मत हलाकत के करीब पहुंच गई है। अगर तबीयत में माजल्ला ममाती अकीदा होता तो कहते ये तो माजल्ला मट्टी में मिल गया, जिस तरह आज के लोग बकवास करते हैं, फिर इस तरह की सूरत हाल होती, लेकिन वहां क्या है, वो समझते हैं जो मैं बोलूंगा सरकार सुनेंगे और फिर रब से मेरी बात मनवाएंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तस के लिए उम्मत का फइन्नहुम कद हलाकू, अपनी उम्मत के लिए बारिश चाहिए, उम्मत हलाकत के करीब पहुंच गई है। ये जो कहते हैं मदीना शरीफ क्या लेने जाते हो, मैं पूछता हूं, बिलाल बिन हारिस को मस्जिद हराम नजर नहीं आती थी, हजरत बिलाल बिन हारिस को पता नहीं था अल्लाह हर जगह से सुनता है, क्यों गए हैं वहां पर मेरे नबी अलैहिस्सलाम की दहलीज पे जाके खड़े हो गए और कहते क्या मदद चाहते हैं, मदद इस तस के महबूब आप मांगिए, आप मांगिए, ले उम्माते का अपनी उम्मत के लिए, मानते हैं कि आप भी उम्मत के निगाहबान हुई है, इस तस के लिए उम्माते का फइन्नहुम कद हलाकू, उम्मत हलाकत के करीब है, मुश्किल में है, महबूब आप बारिश का बंदोबस्त कीजिए। फअतर रजुल फिल मनाम,
मेरे नबी अलैहिस्सलाम उस बंदे के ख्वाब में तशरीफ ले गए। फकाल लहू, और उसे कहा उमर, जाओ उमर के पास। फाकरे हो अस्सलाम, उमर को मेरा सलाम कहो। वाखबर हो, उनको खबर दो। अन्नकुम मुस्कौन, कि उनको बारिश बरसा दी जाएगी। गम गम की कोई बात नहीं, उमर को जाके बता दो। अब देखो इस हदीस शरीफ को जिक्र करते हुए फतुल बारी शरे बुखारी जिल्द नंबर 1 के अंदर इन्होंने इसमें तफसील के साथ इसको जिक्र करके ये कहा, कहते हैं कि वो बंदा कौन था, हुआ बलाल इब्नुल हारिस अल-मुज़नी अहदुस सहाबा थे। वो बंदा एक सहाबी था, तो सहाबी का अकीदा के बाद अजमी साल या के साथ आवाज दे रहे। और फिर ये हदीस कैसी है इसके बारे में इन्होंने फतुल बारी के अंदर ये वाज़े लिखा और ये कहा कि रवा इब्न अबी शैबा तब इसनादिन सही, इसनादे सही से इसको जिक्र किया। इसनादे सही, चलो मेरे इमाम अस्कलानी का ये नुस्खा उनको काम नहीं देता तो अपने इब्ने कसीर का नुस्खा ले ले। ये अलबिदाया वन निहाया इसके अंदर ये बात मौजूद है, यही चीज जिक्र की गई है कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद एक शख्स वहां पे हाजिर हो गया दुआ मांगने के लिए। ये देखो ये सामने वो हदीस शरीफ है, इसका सफा नंबर 98 है और कहता है जा रजुल इला कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तस्किल्लाह लि उम्मतिका फइन्नहुम कद हलकू फाताहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मनाम। सरकार ख्वाब में तशरीफ ले आए, इसके बाद लिख के क्या कहता है, आजा इसनादुन सही। ये इब्ने तैमिया का शागिर्द इब्ने कसीर अलबिदाया में कबर शरीफ पर खड़े होकर सरकार से मदद मांगने वाले सहाबी की इस हदीस को कहता है ये इसनाद सही है। और फिर यहां रजुल की बात है, कुछ लोग कहते हैं कि आदमी था पता नहीं कैसा था, क्योंकि बिलाल बिन हारिस का नाम तो एक जगह पर है बाकी जगह आदमी था। हमने इस पर तहरीरी मुनाजरा किया, तकरीबन 10 साल गुजर गए आज तक वो जवाब नहीं दे सके। मैंने उसूल हदीस के मुताबिक कहा कि जिस वक्त रजुल को कोई चेक करने वाला ना हो फिर तो हमारी जिम्मेदारी है कि साबित करें रजुल कौन है, और अगर रजुल का चेकर हजरत उमर बिन खत्ताब बैठा हो तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी उमर बिन खत्ताब की है। अगर हजरत उमर बिन खत्ताब रजुल को क्लियर कर दे तो अब उस रजुल को अदालत में कोई नहीं खड़ा करके मुजरिम साबित कर सकता, क्योंकि वो रजुल जब आके उन्होंने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला से ये बात कही थी तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने यह नहीं कहा कि तुम कब्र शरीफ पे गए क्यों हो, तुमने या रसूल अल्लाह क्यों कहा, तुमने मदद क्यों मांगी, इनमें से कोई जुमला हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने नहीं बोला, बल्कि रजुल ने यह कहा उमर बारिश की खुशखबरी भी आई है और सरकार ने तुम्हारे नाम एक चिट्ठी भी भेजी है, संदेशा भी भेजा है, वो क्या कि अलैका बिल कैस, अलैका बिल कैस, उमर होशियार होकर खिलाफत निभाओ, बेदार होकर खिलाफत निभाओ। अब ये जुमले जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने सुने तो ये नहीं कहा कि पता नहीं तुमने देखा भी है सरकार अलैहिस्सलाम को, पता नहीं वो आए भी हैं, यानी तू मुझे धमकियां दे रहा है और मेरी जवाब तलबी कर रहा है, पता नहीं तू सच्चा है या झूठा है कैसा है। नहीं, हजरत उमर ने जो ही सुना कि सरकार ने पैगाम भेजा है अली का बिल कैस और शहरों के खिलाफत निभाओ, तो हजरत उमर बोल पड़े यार अब मा आलू इल्ला मा जस्तान हो, ऐ मेरे अल्लाह पूरी ताकत लगा के जिगर पिघला के खिलाफत निभाऊंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तो हजरत उमर का फौरन जवाब देना इस बात की दलील है कि रजुल पक्का था, इस बात की दलील है कि हजरत उमर ने माना कि बाकी सरकार ने इसकी बात को सुना, बाकी नबी अलैहिस्सलाम इसके ख्वाब में आए और हजरत उमर जवाब देकर मोर सदाकत लगा रहे हैं, मैं नजद के गंजे पत्थरों तक के बिचुओं को दावत दे रहा हूं हजरत उमर के मेरिट पर जो उतर जाए पूरा, अब दुनिया की कोई ताकत उस रजुल पर एतराज नहीं कर सकती। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अगर रिजेक्ट करते तो हम दलील ना बनाते, उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, बारिश बाकी हो गई, हजरत उमर को
जो पैगाम दिया गया था, उन्होंने उस पैगाम पर लबैक कहा और कहा खुदा की कसम कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, पूरी तरह खिलाफत निभाऊंगा। तो पता चला कि ये अकीदा कि सरकार बाद अज विशाल सुनते हैं, मदद करते हैं, ख्वाब में आ जाते हैं, अहवाल को जानते हैं, ये हमने गढ़ा नहीं, ये सुफा से अकीदा चल के आया है। इस सिलसिला में जहां तक खुद कुबूर के लिहाज से और मजारात के लिहाज से बात है, वो भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम है कि इन्होंने रोजे बनाए हुए हैं, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है। ये मेरे हाथ में तारीख मदीना शरीफ है इब्न शब्बा की, जिल्द नंबर 1 है। इसके अंदर ये लिखा है, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की जौजा मोहतरम हजरत उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा, उनके बारे में ये लिखा है। ये दौरे सहाबा की, मैं कबर शरीफ पर बनी हुई इमारत की बात कर रहा हूं, दौरे सहाबा की लिखा है। लम्मा हाफारा अकील इब्न अबी तालिब फी दारिही बेरा, जब हजरत अकील जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला के भाई हैं, हजरत अकील रजी अल्लाह तआला ने अपनी हवेली में कुआं खोदा, वाका अला हजर मनकूश, तो नीचे से एक पत्थर निकल आया, मकतूब इन फी, जिसमें लिखा हुआ कब्र उम्मे हबीबा था। पत्थर नीचे से निकला जिस पत्थर पे लिखा हुआ कब्र उम्मे हबीबा था रजी अल्लाह तआला अन्हा। ये नहीं है कि ये 14वीं सदी वाले किसी दुकानदार ने किसी कब्र की तख्ती पर लिख दिया, मैं तो दौरे से आबा की बात कर रहा हूं, उम्मुल मोमिनीन की कब्र है, हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा का नाम पत्थर पे लिखा हुआ था। और कब्र खोदने वाले हजरत अकील हैं, कहते हैं फदाफना अकील उल बेरा, हजरत अकील ने कुआं बंद कर दिया कि यहां तो अजीम अम्मी आराम फरमा है, उम्मुल मोमिनीन है, कुआं बंद कर दिया, वा बना अलैहि बैता, और उस जगह पे कमरा बना दिया, बना अलैहि बैता, सारे बोलो बना अलैहि, बना अलैहि बैता। पहले तो कुआं बनाना चाहते थे, लेकिन फिर कब्र शरीफ बंद करके ऊपर से वहां कमरा बना दिया। और रावी जो है यजीद बिन साहिब, वो कहते हैं फदखल तो जालिक अल बैत, मैं अपनी आंखों से दाखिल हुआ देखने के लिए उस घर में, उस कमरे में, फराई तो फीह जालिक अल कब्र, मुझे हजरत उम्मे हबीबा की कब्र नजर आ गई। हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र पर कमरा बनाया सहाबी रसूलुल्लाह सलाम ने दौरे से आबा में, और किसी ने शिर्क का फतवा नहीं लगाया। इस वास्ते जहां तक कुबूर और फिर उनसे मदद का ताल्लुक है, मैं इख्तिसार से अब वो चंद बातें आपके सामने अर्ज करते हुए बात को खत्म कर रहा हूं। ये ज़हबी ने सैयुर अलाम नुबला में लिखा है, एक बहुत बड़े मुहद्दिस है जिनका नाम मोहम्मद बिन मुनकदिर है, ये जिल्द नंबर 6 है मेरे हाथ में। और बात किन की करने लगा हूं, मोहम्मद बिन मुनकदिर, सारे बोलो मोहम्मद बिन, ये छोटे उस्ताद नहीं बहुत बड़े उस्ताद हैं, किस किस के, ये मेरे इमाम आजम अबू हरीफा के उस्ताद हैं, ये इमाम जाफर सादिक के उस्ताद हैं, ये इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला के उस्ताद हैं। इतने बड़े उस्ताद मोहम्मद बिन मुनकदिर, उनके बारे में ये सफा नंबर 159 पे लिखा है, कहते हैं कान अबुल मुनकदिर यजलिसु मा सहाबिही, मस्जिद नबी शरीफ में मोहम्मद बिन मुनकदिर शागिर्दों को पढ़ाते थे, मस्जिद नबी शरीफ में। तो कहते हैं काना युसीबू समात, कभी उन पर खामोशी तारी हो जाती थी, जुबान बोलती नहीं थी, सकता तारी हो जाता था। तो क्या होता था, फकान यकूमो कमा हुआ, वो वहीं उठ के खड़े हो जाते थे, जो ही सकता तारी होता था, बीमारी आती थी तो उठ के खड़े हो जाते थे, इलाज क्या करते थे, कुर्बान जाऊं। उस वक्त कोई ना शुतरा था ना शुरता था, हत्ता ज्यादा खद्दहू अला कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम आजम इमाम मालिक इमाम जाफर सादिक के उस्ताद मोहम्मद बिन मुनकदर अपना रुखसार महबूब अलैहिस्सलाम की कब्र के साथ मलना शुरू कर देते थे। मैं 15वीं सदी के मलंगों की बात नहीं कर रहा, मैं इल्म हिकमत के साहिबान की बात कर रहा हूं, मैं मोहम्मद बिन मुनकदर की बात कर रहा हूं। ये इमाम ज़हबी की सेज़ुर अलाम में दो वाला है, जो रावी को पास करें तो रावी पास समझो,
फेल करें तो लोग ज़ईफ़ करार दें, वो ज़हबी रट के बगैर इसको जिक्र कर रहे हैं कि मोहम्मद बिन मुनकदर जब उनको मुश्किल पेश आती थी, बीमारी आ जाती थी, तो क्या करते थे? यादाओ खत्ताहू, अपना रुखसार रखते थे। कहां रखते थे? अला कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहि सलाम की कब्र शरीफ पर रुखसार रखते थे। सुम्मा यरजो, फिर वापस आ जाते थे। उनको किसी ने कहा कि ये तुम क्या करते हो, जाके कब्र शरीफ से रुखसार मलना शुरू कर देते हो। अब बरेलवी का अकीदा सुनो, अगर इसको बरेलवियत कहते हो तो ये तो उस वक्त ताबीन के जमाने में, सहाबा के जमाने में भी मौजूद थी। अब पूछा गया कि इसका क्या मतलब हुआ, जब सत्ताधारी होता है तो अपना रुखसार कब्र से जाकर रगड़ना शुरू कर देते हो? तो उन्होंने जवाब दिया, कहते इन्नहु युसीबुनी खतर, मुझे मुश्किल पेश आई, और सुनो पूछने वालों, इजा वजदतु ज़ालिका, जब भी मुझे मुश्किल पेश आती है तो क्या करता हूं? इस्तअनतु बिकब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सरकार की कब्र से मदद मांगता हूं। इस्तअनतु, वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। हमारा दावा है इबादत और इस्तअनत एक तरह की नहीं, बराबर नहीं। इबादत तो मजाजन भी किसी की जायज नहीं, लेकिन इस्तअनत जायज है मजाजन। रब ना चाहे तो कोई पत्ता भी नहीं ला सकता, और रब चाहे तो अल्लाह के फजल से सरकार की कब्र शरीफ भी मदद करती है। अब ये कौन कहेगा कि ये जाहिल है, बुद्धू है, अनपढ़ है, इनको आता कुछ नहीं? इस्तअनतु, इस्तअनतु, इस्तअनतु बिकब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़यामत तक के मुसलमानों, मैं कोई भूला हुआ नहीं कि वैसे जाके रुखसार रगड़ता हूं, मैं तो नबी अलैहिस्सलाम की कब्र शरीफ से भी इस्तियानत करता हूं, मदद चाहता हूं, मदद चाहता हूं। इनको इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का तर्जमा आता था, लोगों को बताया है कि ये तौहीद है कि जब मुश्किल आती है तो जिनकी कब्र शरीफ मुश्किल हल करे, वो कब्र के मकी कितने बड़े मुश्किल कुशा होंगे। बहुत अशम शामिल हजरात, ये तहजीब उत तहजीब मेरे हाथ में है, तहजीब उत तहजीब फिर रिजाल हदीस जल्द नंबर 4। यहां पर लिखा है किसका अकीदा? इमाम बुखारी की उस्तादों का अकीदा, बुखारी, मुस्लिम, इबन माजा, तमाम मुहद्दिसीन मेरे अकीदे पर। और हमसे टकराने वाले सियासत सित्ता किस मुंह से पढ़ते हैं? बिदअती का तो कौली मोतबर नहीं होता, बिदअती की हदीस मंजूर नहीं होती। अगर हमारा अकीदा शिर्किया है तो फिर बुखारी अपना कोई बनाओ, फिर मुस्लिम अपना लाओ, ये सारे तो हमारे अकीदे वाले हैं। आज मेरे नबी अलैहिस्सलाम की दहलीज पे जाके हाथ बांध के कोई खड़ा हो जाए तो कहते हैं तवादो हराम, तवादो हराम। यहां क्या लिखा है ये देखो, अबू बकर मोहम्मद बिन मुअम्मल कहते हैं, खरजना मा इमाम अहले हदीस अबी बकर इब्न अबी खुज़ैमा, मैं अहले हदीस के इमाम अबू बकर बिन खुज़ैमा के साथ निकला। ये इमाम बुखारी के उस्ताद है। कौन है अहले हदीस के इमाम? ये भी ज़हन में रखो, रेडी लगाने वाला अहले हदीस नहीं कहलवा सकता। हो सुन्नी और स्पेशलिस्ट बन जाए हदीस की उलूम का, फिर अहले हदीस कहलवाता और फिर कब्रों पे जाके एहतराम से खड़ा होता। ये मोहम्मद बिन मुअम्मल कहते हैं कि खरजना मा इमाम अहले हदीस अबू बकर बिन खुज़ैमा वो अदील अबी अली सख्फी मा जमात बिन मशायख है ना, कहते हैं ये अबू बकर बिन खुज़ैमा भी थे, अबू अली सख्फी भी थे, और मुहद्दिसीन की पूरी जमात थी, बड़े बड़े कद आवर मुहद्दिस थे। क्या काम करने निकले? कहते हैं हम निकले इला ज़ियारत कब्र अली इब्न मूसा अर-रिज़ा, इमाम अली रजा की कब्र की ज़ियारत के लिए। आज शद्दे रिहाल वाली हदीसें पढ़ पढ़ के जो बेहाल हो रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि इमामों का अकीदा क्या। ये ईरान के शहर तूस की तरफ जो सफर कर रहे हैं सारे उस्ताद, और बुखारी के उस्ताद, ये इनको पता नहीं कि तूस में कोई मस्जिद नबवी नहीं है, तूस में कोई मस्जिद हराम नहीं है, और तूस में कोई मस्जिद अक्सा नहीं है, और इरादे से कहां जा रहे हैं? इमाम अली रजा रदी अल्लाह तआला के दरबार पे हाजिरी देने के लिए।
अच्छा जी, कहते हैं जब पहुंचे वहां फराई तो मिन ताजीम ही यानी इब्न खुज़ैमा ले तिलकल बुकाते व तवादु ही लहा व तदर्रु ही इंदहा मा तहय्यरना। रावी कहते हैं अबू बकर मोहम्मद बिन मुअम्मल कि जब हमारे उस्तादों के बड़े उस्ताद अबू बकर बिन खुज़ैमा इमाम अली रजा की कब्र के सामने गए तो कहते हैं मैं हैरान रह गया कि जितना आजजी से वो खड़े हो गए। लफ्ज सुनना, पहला क्या है, फराई तो मिन ताजीम ही, उन्होंने कब्र शरीफ की ताजीम की। आज ये कहते हैं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के रोजा पाक की ताजीम करे वो भी अबू जहल से बड़ा मुशरिक, बलियों की कब्रें तो बाद में रह गई। और यहां कौन है, इमाम बुखारी के उस्ताद और इमाम अली रजा की कब्र की ताजीम कर रहे हैं। लफ्ज ताजीम का मैं ना दिखाऊं तो जो चोर की सजा मेरी सजा, इमाम बुखारी के उस्ताद कब्र की ताजीम के कायल हैं, इबादत के कायल नहीं। और फिर फरमाया व तवादो ही लहा, इन्होंने बड़ी तवाजो की वहां पे, व तदर्रो ही बड़ी इनकिसारी की, आजी की, गिड़गिड़ा के रोने लगे। जिन तीनों लफ्जों पे आशिर का फतवा लगता है वो तीनों लफ्ज यहां इमाम बुखारी के उस्तादों के मामूल में मौजूद है, तो पता चला ये जमीन भी सुननी है, वो आसमां भी सुननी है, जलवाए खुर्शीद सुननी, कहकशां भी सुननी है, कतराए शबनम भी सुननी, बागबां भी सुननी है, लफ्ज की तासीर सुननी, दास्तां भी सुननी है, मायाए मिल्लत भी सुननी, निगाहबां भी सुननी है। अहले सुन्नत के जियालो बांध लो गर तुम कमर, नजर आएगा तुम्हें सारा जहां ही सुननी है। अब देखो ये किताब उस सिकात इब्न हिब्बान की जिल्द नंबर 5, ये सेका रावियों के स्पेशलिस्ट हैं, ये कहें तो रावी सेका माना जाता है, इनका अपना अमल क्या। ये जिल्द नंबर 5, ये कहते हैं जब मैं तूस में रहा करता था ईरान के अंदर तो क्या हुआ, हर हवाला इतना जबरदस्त है चट्टान को मारो तो चट्टान टूट जा। कहते हैं मां हल्लत भी शिद्दा फी वक्त मकामी बेतूस, कि जब मैं तूस में रहता था मुझे जब भी मुश्किल पेश आई है, ये मुहद्दिसीन के इमाम कहते हैं जब मैं तूस में रहता था मुझे जब भी मुश्किल पेश आई है तो हल कैसे हुई। कहते फजूर तो कब्र अली इब्न मूसा अर रिजा, मैं इमाम अली रिजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र पे गया हूं, सलावातुल्लाह अला जद्दी व अलैहि, तो फिर वहां जाके क्या किया, कहते दाऊतुल्लाह इजाला था अन्नी, मैंने दुआ मांगी कब्र शरीफ पे जाकर कि मेरी मुश्किल हल हो जाए, इल्ला उस तुझी वाली जिंदगी में जब भी मैं गया हूं हाथ नीचे करने से पहले मुश्किल हल हो गई है। हमें कहते हैं कब्र चटिए कब्र पूजिए, मैं कहता हूं ये इमाम किधर गए और अकीदा क्या लेके गए, मुश्किल हल करवाने के लिए, मुश्किल हल करवाने के लिए कब्रों पे गए। और ये इब्न हिब्बान लिखते हैं वाजा शैयुन जर्रबतु मिरारा फवजतु कज़ालिका, मैंने बार बार तजर्बा किया इसका, बार बार तजर्बा किया, जब भी मुश्किल आई है मैं वहां गया हूं कब्र शरीफ पे जाके मैंने दुआ मांगी है, हर बार मेरी मुश्किल हल हो गई है। मोहतशम सामी हजरत, अब इसकी इस अंदाज की वजाहत जो उनकी किताबों से है उसको पेश करते हुए गुफ्तगु बंद कर रहा हूं। ये इब्ने तैमिया इस कैंप का है बड़ा, कि आज हमने अकीदा तौहीद सेमिनार लाहौर में किया तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने तौहीद खालिस सेमिनार किया जिसमें इतना जम गफीर था कि 250-300 तक अफराद मौजूद थे उसमें। तो उसके अंदर उन्होंने कहा ये अशरफ आसिफ जलाली कहता है कि हम गंजबख्श हजवेरी के फिक्री बेटे हैं, हम गौसे पाक के फिक्री बेटे हैं, कहने लगे हम इब्ने तैमिया के बेटे हैं। तो मैं इब्ने तैमिया के बेटों तक पैगाम पहुंचा रहा हूं, इब्ने तैमिया के बेटों क़यामत तक तुझ पे कर्ज है कि जिसको तुम शिर्क कहते हो वो तुम अपने घर में खुद करने वाले हो। ये इब्ने कसीर अल बिदाया वन निहाया जिल्द नंबर 13-14, इसके अंदर वो तफसील से मौजूद है कि जब इब्ने तैमिया मर गया, जिल्द नंबर 14 में है, सुनोगे तो हैरान रह जाओगे, ताने हमें देते हैं बिदतें खुद करते हैं। क्या बात है,
अब ये सफा नंबर 552, इनमें से कुछ वैसे भी थे, कुछ उनके लिहाज से, उनके नजरिए के मुताबिक, और सब कुछ शिर्क से कम नहीं। ये मेरे पास है बैरूत का छपा हुआ, मैंने को अपनी तरफ से नहीं लिखा, इब्ने कसीर ने लिखा है, और शागिर्द है, अगर झूठ होता तो ना लिखता, और अगर लिखा है तो अब जवाब उन पर कर्ज है, वरना हमारे बुजुर्गों पर शिर्क के फतवे ना लगाए। मैं कह रहा हूं इब्ने तैमिया के बेटो, हाफिजुल हदीस की रूहानी औलाद बोल रही है, रजा के बेटे मैदान में है, इमाम फजल हक खैर आबादी का लहजा बोल रहा है, ललकार है, बोलो ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, पाक नैती अकीदा तौहीद सेमिनार है। लिखा है कि जब इब्ने तैमिया मरा, जालसा जमातुन इंदहू कबल गुस्ल, एक जमात उसके पास बैठ गई कुरान पढ़ने के लिए गुस्ल से पहले ही, वकारा उल कुरान, और उन्होंने कुरान पढ़ा, खातमी हमें कहते हैं, कारा उल कुरान, सब ने बैठ के कुरान पढ़ा, फिर वतबर्रकू बिरुयते ही, उसके चेहरे को देख के बरकत पाई, तबर्रकू बिरुयते ही, देख के बरकत पाई, यानी पता चला जरूरत पड़े तो आंखों के जरिए भी हासिल हो जाती है, तबर्रकू बिरुयते ही, उसको देख के बरकत हासिल की, और सिर्फ देखे नहीं, वह तकबील ही चूम के भी बरकत हासिल की। मरे हुए इब्ने तैमिया को चूमना किस हैद में आया, किस हदीस में आया, कहां गई तौहीद, कहां गया दीन, तबर्रकू बिरुयते ही व तकबील ही, देख देख के बरकतें पा रहे हैं, चूम चूम के बरकतें पा रहे हैं, सारी जिंदगी बरकतों से बैर करने वाले, बरकत तो वहां नहीं थी, लेकिन रब ने दिखाना था कि तुम्हारे घर से निकलेगा दीन, जिसका इनकार किया उसका सामना करना पड़ेगा। और बात इससे ज्यादा अजीब यह है, सुम मन सरफू, वो मर्द चूम के हट गए, सुम हादारा जमात मिनन निसा, औरतें आ गई, औरतें आ गई, फफअलना मिसला ज़ालिका, वो भी इब्ने तैमिया को चूमना शुरू हो गई। पूछो इनसे, पीछे पड़ जाओ, ताकत कराओ, आखिरी सांस तक हमें जवाब दे, हम पर शिर्क या फयार काटने वाले झूठे थानेदार बता दे कि ये मुकदमा कौन लड़ेगा। चलो मर्द तो देखते, औरतों को किसने इजाजत दी कि गैर महरम को चूमना शुरू कर दे, फफाल नमी सलाजाले का, उन्होंने भी यही काम किया, और फिर क्या हुआ, जिस वक्त गुसल दिया पानी बच गया, वशारे बा जमात उन अलमाल अल्लजी अलमा अल्लजी फादला मिन गुसले ही, हम तबर्रुक की बात करें, ये सर से लेकर दुम तक जल जाए। और अब क्या है कि इब्ने तैमिया जब गुसल उसको दिया गया, जो पानी गुसल वाला था उसके साथ क्या हश्र हुआ, कहते शारेबा जमात, उन एक जमात गट गट करके पी गई, शारेबा जमात एक दो ने नहीं, यानी इतनी बिदत बरसरेआम हो रही है उनकी, शारेबा जमात उन अलमा अल्लजी फादला मिन गुसले ही, जो गुसल से बचा था उसको पानी को पी गए, वक्त असम जमात उन बकियत सिद्र अल्लाजी गोसेला भी, वो बेरी के जो पत्ते पानी में डाल के पानी गर्म किया गया था वो पत्ते भी चबा गए। पूछो इनसे, जो हमें कबर चटिया कहे, ये क्या चटिया है, वो पत्ते जिसमें इब्ने तैमिया के लिए पानी गर्म किया गया, जिन पत्तों के साथ, वो वक्त असम जमात उन, एक जमात ने तकसीम कर लिया, और फिर उसके गले में एक धागा था। आज वो कराची का एक गुजर गया है तौहीदी, वो कहता है अगर उम्मत की गर्दनों की तलाशी ली जाए तो हर गर्दन में शिर्क नजर आएगा, तावीज पर वो लगाता है। मैं कहता हूं इब्ने तैमिया की तो तलाशी लो, जालिम सारी उम्र तुम्हारे साथ फरार करता रहा, अपनी गर्दन दे तो तावीज वहां भी निकल आया।
ابن تیمیہ کی گردن میں ایک ڈوری تھی اور بیماری بڑی خطرناک تھی جس کی وہ ڈوری لٹکائی ہوئی تھی. اللہ حاجت روا، اللہ مشکل کشا، اور جمعوں کے لیے ڈوری گلے میں لا. یہ لکھا ہے یہاں پر، میں اپنی طرف سے ایک لفظ کا بھی اضافہ نہیں کروں گا، ان کو دعوت ہے وہ اس کا جواب دیں. کیا لکھا ہے؟ لکھا وضافہ فی الخیط الذی کان فیہ ذئبت الذی کان فی انہوں کی بسبب الکمل، جوؤں کی وجہ سے، جوؤں کی وجہ سے جو اس کے گلے میں ڈوری لٹکائی گئی تھی جس کے اندر پارا تھا، اس کا بھی ریٹ لگا باقاعدہ. ایک کہتا تھا اتنے بولی دوں گا، دوسرا کہتا اتنی بولی دوں گا، بے لا کر چلتے چلتے اس زمانے میں خمسون درہمن، 50 درہموں کی ڈوری بک گئی. 50 درہموں کی ڈوری جوؤں والی ابن تیمیہ کے گلے میں، 50 درہموں کی. میں پوچھتا ہوں وہ 50 درہم دینا حرام تھا یا حلال تھا؟ کہاں گئے، سو گئے تھے مفتی؟ ابن کثیر خود روایت کر رہا ہے، روکتا کہ سب کچھ ناجائز ہو رہا. اور پھر اس کے ساتھ کیا ہے، وختمت لہو ختمات کثیرہ، بہت سے ختم پڑے گا. ختمات کثیرہ، ختمت لہو ختمات کثیرہ، بالصالحیہ وبالولد، وہ جہاں دفن تھا اس جگہ. وتردد الناس الی قبری ایاما کثیرہ لیلا ونہارا یبیتون عندہ، دن رات لوگ آتے جاتے تھے، راتی بھی جمعرات جس طرح ہم داتا صاحب گزارتے وہ ابن تیمیہ کے پاس گزارتے تھے. اب پوچھو کیا چیز ہے جو برآمد نہیں ہوئی یہاں سے؟ جس کا ہم پہ الزام تھا، میں نے تو الزام لگایا ہی نہیں، ان کی کتاب سے دکھایا. یہ البدایہ والنہایہ، دار المعرفہ بیروت، اس میں یہ سب کچھ آیا، میں نے پڑھ کے سنایا. ادارہ صراط مستقیم پاکستان دلیل دروازے تک پہنچانا چاہتا ہے، اور ہم نے اللہ کے فضل سے دروازے تک پہنچائی ہے، اور اللہ کے فضل سے ہمیں نا امیدی نہیں. ابھی یہ 2 دن ہوئے ہیں، جامعہ سلفیہ فیصل آباد کا ایک فاضل، وہ چوتھا عقیدہ تو ہی سیمینار کی سی ڈی سن کے سنی ہونے کا اعلان کر گیا. محمد احمد اس کا نام ہے، اس نے مجھ سے ملاقات کا ٹائم لیا، لیکن وہ فیصل آباد میں ہمارے سید فضل قدیر شاہ صاحب جو فیصل آباد کے امیر ہیں ان سے مل کے اعلان کر چکا ہے کہ میں عقیدہ توحید سیمینار سن کے اس مقام پر، اس نقطے پہ پہنچا ہوں کہ ہمیں آج تک توحید کے نام پہ فریب دیا گیا. توحید ملی ہے تو عقیدہ توحید سیمینار سے ملی ہے، یہ دلیل. اور اس چیز میں میں نے شروع میں یہ بتایا تھا کہ یہ سارا ایک اور سازش تھی، شرک خفی کو شرک جلی کہہ دیا گیا، اور تھوڑی بات تو نہیں نا، شرک جلی سے بندہ مومن نہیں رہتا، شرک خفی سے کافر نہیں ہوتا. اور یہاں انہوں نے اس جرم کا اپنے گھر میں اقرار کیا ہوا ہے. میرے پاس وہ حوالے بھی بہت سے ہیں، لیکن اس وقت یہ حکایات اولیاء اشرف علی تھانوی کی ہے، اشرف علی تھانوی کی، اس نے وعدہ معاف گواہ بن کے بتا دیا. یہ دیکھو یہاں لکھا ہے کیا، کہ جس وقت اسماعیل دہلوی نے کتاب لکھی، اسماعیل دہلوی نے تو کتاب تقویت الایمان جس سے سارا جھگڑا شروع ہے، اب اس کو ہی بار بار آگے پیچھے کر کے چھاپتے رہتے ہیں. یہ اشرف علی تھانوی کی ہے، حکایات اولیاء ارواح ثلاثہ، جلد صفحہ نمبر 74 ہے، پڑھ کے سناؤں، بڑا لطف انداز لطف امیز بیان اس کا لکھا ہے. اور جرم اتنا ہے کہ زمین و آسمان پھٹ جائیں، لیکن کہتے ہیں کوئی نہیں، بھیڑ بھاڑ کے لڑ بھیڑ کے چپ کر جائیں. یہ کہتے ہیں کہ جس وقت، اب جو میں مولانا کہوں تو اس کے لفظ پڑھ رہا ہوں، مجھے میری طرف وہ مولانا ان کا منسوب نہ کرنا. لکھا ہے کہ خان صاحب نے فرمایا، یعنی اشرف علی تھانوی نے، کہ مولوی اسماعیل صاحب نے تقویت الایمان اول عربی میں لکھی تھی، چنانچہ اس کا ایک نسخہ میرے پاس ہے، اور ایک نسخہ مولانا گنگوئی صاحب کے پاس ہے، اور ایک نسخہ مولوی نصر اللہ خان کے پاس کتب خانے میں بھی تھا. اس کے بعد مولانا نے اس کو اردو میں لکھا، اور لکھنے کے بعد اپنے خاص خاص لوگوں کو جمع کیا کہ جن میں سید صاحب، مولوی عبدالحی صاحب، شاہ اسحاق صاحب، مولانا یعقوب صاحب، مولوی فرید الدین صاحب، مراد آبادی، مومن خان، عبداللہ خان علوی،
और भी मौजूद थे और उनके सामने तकवियतुल ईमान पेश की और फरमाया कि मैंने ये किताब लिखी है और मैं जानता हूं कि इसमें बाज जगह जरा तेज अल्फाज भी आ गए हैं, इसमें बाज जगह जरा तेज अल्फाज भी आ गए हैं और बाज जगह तशद्दुद भी हो गया है। ये माजरत भी साथ साथ करें, बाज जगह बस मर्जी नहीं थी लेकिन तशद्दुद हो गया, बाज जगह तकवियतुल ईमान में तशद्दुद भी हो गया है। मसलन क्या तशद्दुद हुआ है? कहता उन उमूर को जो शिरके खफी थे जली लिख दिया गया। अब देखो गवाही घर की, उन उमूर को जो शिरके खफी थे जली लिख दिया गया, उन उमूर को जो शिरके खफी थे, हालांकि शिरके खफी से तो बंदा मुशरिक नहीं ना बनता और शिरके जली से बन जाता, तो कहते हैं जो शिरके खफी थे हमने जली लिख दिया, वो रिया को बना दिया कि उम्मत मुशरिक है। और फिर कहता है इन वजूह से मुझे अंदेशा है कि इसकी इशात से शोरश जरूर होगी। पता तो था कि जो कुछ किया हुआ है, कुछ छोटी बात तो नहीं थी कि शिरके खफी को जली लिख, कहता जब छपेगी तो शोरश जरूर होगी। अगर मैं यहां रहता तो इन मजामीन को 8-10 बरस में तदरीज बयान करता, बतदरीज बयान करता, लेकिन इस वक्त मेरा इरादा हज का है और वहां से वापसी के बाद अजम जिहाद का है मुसलमानों के खिलाफ, इसलिए मैंने इस काम से मैं मजूर हो गया हूं और मैं देखता हूं कि इस बार इसको उठाए दूसरा कोई इस बोझ को नहीं उठाएगा, इसलिए मैंने किताब लिख दी है, गो इससे शोरश होगी मगर तवक्को है कि लड़ भिड़ कर खुद ठीक हो जाएंगे। यानी वो ये जुल्म करके हिंदुस्तान में शिरके खफी को शिरके जली बना के खुद हज पे चला गया और कहता मैं वापस रहता तो फिर 8 साल में मैं सबक देता, मैंने इकट्ठे लिख दिए हैं लेकिन लड़ भिड़ के सब ठीक हो जाएंगे। उसे ये था कि 1-2 साल लड़ भिड़ के ठीक हो जाएंगे, मगर उसको ये पता नहीं था कि इमाम फजल हक के बेटे पूरी तरह इनकी तफ्तीश करेंगे। लड़ भिड़ के ठीक नहीं हुआ, हमने हमारे अकाबिर ने यह केस लड़ा और हमने यह वादे किया है कि यह रियालों का धंधा है, वरना शिरके जली और है, शिरके खफी और है, और ये सब कुछ इकट्ठा करके कहते उम्मीद है कि लड़ भिड़ के सब ठीक हो जाएगा। तो हम अकीदे तौहीद सेमिनार इसलिए इदारा सिराते मुस्तकीम के प्लेटफार्म से मनाते हैं कि सिराते मुस्तकीम भी हमारा है, इस्माइल दिलवी का नहीं, और लड़ भेड़ के ठीक नहीं होगा बल्कि हम पूरी तरह हिसाब लेंगे कि शिरके जली, शिरके खफी को शिरके जली कहने वाला टोला मुजरिम है और हम अल्लाह के फजल से सुफा वाली तौहीद लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। यह जहाने दीदा जस्टिस तकी उस्मानी की है और इस वक्त चूंकि यहां पर कई किस्म के लोग हैं जो तुम्हारी अपोजिशन है, तो मैं हर एक की मिसाल तुम्हारे सामने रख रहा हूं ताकि सबको सौदा मुकम्मल मिल जाए। ये इसका सफा नंबर 517 है जहाने दीदा का, मामूली बंदा नहीं, उनका जस्टिस तकी उस्मानी। इसमें लिखा है कि देवबंद के अतराफ में हैजे की वबा का आगाज हो रहा था तो हजरत मौलाना को इसके बारे में कशफ हो गया, मौलवी याकूब साहब को इस बारे में कशफ हो गया। क्या आपने देवबंद में यह ऐलान कराया कि हैजे की शदीद वबा घर घर फैलने वाली है, लोगों को चाहिए कि वो कसरत से सदका और खैरात दें और अपनी ममलूकात में से हर चीज से सदका निकालें, रुपए में से रुपया, गल्ले में से गल्ला, कपड़े में से कपड़ा, शायद अल्लाह ताला इन सदकात की बरकत से इस बला को रोक दें। इसके बाद जब ये ऐलान किया तो शेख शेख होते हैं, लिखा है कि लेकिन देवबंद के बाद शेख जादों ने सुना तो उन्होंने इस पर तवज्जो देने की बजाय इस्तेजा किया, इस्तेजा का अंदाज इख्तियार किया और कहने लगे ऐसा मालूम होता है कि मदरसा में चंदे की कमी हो गई है। यानी ये जो गैब की खबर दे रहे हैं, वैसे तो सरकार की भी नहीं मानते और अब अपनी तरफ से खबर दे रहे हैं कि हैजे क्या बवाल आने वाला, तो शेखों ने कहा कि चंदे की कमी हो गई है, जिसे पूरा करने के लिए मौलवी साहब ये ऐलान कर रहे हैं। हजरत को यह जुमला पहुंचा तो जोश में आकर फरमाया अच्छा तो अब वबा आकर रहेगी। हम जो कहें कि वली के मुंह से निकले तो पूरी होकर रहती है,
तो वो कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं, किसी के मुंह से निकलने से होता। अब कहते हैं कि उनको जोश आ गया, अच्छा तो अब वबा आकर रहेगी और एक एक घर से कई कई जनाजे उठेंगे। हाजरीन में से किसी ने कहा हजरत आप भी तो यही मुकीम हैं, आप कह रहे हैं कि हर घर से जनाजे उठेंगे। फरमाया हां याकूब और याकूब की औलाद भी इस वबा में मर जाएगी। चुनांचे वो शदीद वबा आई और हजरत मौलाना की वफात भी इसी वबा के दौरान हुई। अब देखो जो बातें हम नबी अलैहिस्सलाम के लिए माने तो मुशरिक करार पाएं, कितनी गैब की खबरों का दावा किया जा रहा कि वबा आएगी, हर घर से जनाजे उठेंगे और अपना मैं भी मर जाऊंगा, मेरी औलाद भी मर जाएगी। ये सारी बातें फजीलत के लिए बयान कर रहे हैं कि हमारे शेख का मकाम क्या। आगे जिस मौजू पर बात चल रही थी उसका जुमला है, कहते हैं चुनांचे वो शदीद वबा आई और हजरत मौलाना की वफात भी उसी वबा के दौरान हुई। फिर यह भी मशहूर है कि वल्लाहु आलम कि अल्लाह ताला ने हजरत मौलाना की कबर की मट्टी को इस वबा के मरीजों के लिए सामान्य शिफा बना दिया। मौलवी याकूब देवबंदी की कबर की मट्टी, ये इसको अल्लाह ने हैजे का इलाज बना दिया, हैजे की इलाज बना दिया। कहते हैं जिस घर में किसी को हैजा होता है मौलाना की कब्र से कुछ मट्टी उठाकर ले जाता है, उसके इस्तेमाल की बरकत से अल्लाह मरीज को शिफा दे देता अपने घर। यहां तक की सूरत हाल है और फतवे सारे घड़े हुए हमारे लिए, ये जान दीदा इसके अंदर ये फजीलत है मौलवी याकूब देवबंदी की। उन्होंने अपने तौर पर बयान की, पता नहीं ऐसा है या नहीं, लेकिन पकड़े तो गए कि कब्र की मट्टी को, कब्र की मट्टी को भी शिफा मानते हैं। मैं कहता हूं पूछो इकबाल से वो तुम्हें मशवरा दे। हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक जो जेरे फलक है मतला अनवार, इस खाक के जर्रों से शर्मिंदा सितारे, जिस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, वो जिसके नफ्से गर्म से गर्मी अहरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबां, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार, की अर्ज ये मैंने अता फकर हो मुझको, आंखें मेरी दीना है लेकिन नहीं बेदार। इकबाल मंगता बन के मुजद्दद साहब की कब्र पे चला गया और कहा दर्रे आफ्ताब से ज्यादा चमकते हैं, और कहा मैं आया किस काम हूं कि अर्ज ये मैंने अता मुझको फकर हो कि मैं फलसफी हूं, मैं दानिशवार हूं, मैं बहुत कुछ हूं मगर फकर मेरे पास नहीं, आंखें मेरी बीना है वलेकिन नहीं बेदार, आंखें देखती हैं मगर बेदार नहीं है। मुजद्दद तुम्हारी कब्र से मैं बेदारी लेने आया हूं। तो इस वास्ते ये बर्रे सगीर का मजाज है कि इसमें यह अकीदा मौजूद है। अब तमाम हवाला जात का वक्त नहीं, लेकिन जो कुछ पेश किया अगर आप इसको अच्छी तरह याद करके आगे पहुंचाएं तो इंशाल्लाह यह स्प्रे काफी है। इदारा सिरात मुस्तकीम के तमाम अराकीन को जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इतना शानदार इज्तिमा मुनक्किद किया, सबको खुशामदीद कहता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं। और आपने जिस मोहब्बत से सुना आपकी अजमत को भी सलाम करता हूं। और याद रखें मैं इधर बैठा हूं, मेरा गाजी अडियाला जेल में बंद है, अभी उनकी रिहाई हम पे कर्ज है और उनको हीरो साबित करने के लिए मुनाजरा हमने मीनारे पाकिस्तान पे 4 नवंबर को करना है। इस वास्ते मुकम्मल तैयार रहे। मैं कहता हूं आराश के रसूल का दिलदार कादरी, अब बन गया है इश्क का मेयार कादरी, ऐदे रवां का कौल और इकरार कादरी, फैजे रजा से पैकरे किरदार कादरी, सदियों में नूर जाएगा इस शेर मर्द का, अब बन गया है इश्क का मीनार कादरी, जब तक न गाजी बाहर हो अडियाला जेल से तो होना चाहिए अपना भी घर बार कादरी, वो रोकते हैं एक बार नाम लेने से, हम कह रहे हैं बरमला लख बार कादरी, जिस दिन से वो गुस्ताख पे तलवार बना है उस दिन से बन गया है मेरा यार कादरी। वाखिरु दावा या अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहर सटाल पे इदारा की रुकनियत के फार्म मौजूद है, इस कारवां में शिरकत के लिए जरूर आप भी अपने फार्म हासिल कीजिए। समय मोहतरम इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान जिला गुजरात की तरफ से तमाम दोस्तों को आप इस इक़ीदत सेमिनार में शिरकत पे आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो, आपने वक्त निकाला और यहां पे तशरीफ लाए।
मुस्तफा जाने रहमत पेला खो सलाम शमाए बजमे हिदायत बेला खो सलाम शमाए बजमे हिदायत बेला खो सलाम नूर के चश्मे लहराए दरिया बगे उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला खो सलाम जिनकी बातों की लज्जत पे बेहद दरूद उनके खुतबे की है पत पेला खो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला खो सलाम शमाए बजमे हिदायत पेला खो सलाम अस्सलाम मदनी मदीने अस्सलाम मदीने गुलाम वालिया। सामिन मोहतरम हजरत अलामा मौलाना तैयब बट जलाली साहब और उनके रफका की तरफ से तमाम उलमाए कराम और तमाम जितने भी काफी लोग दोस्त लेकर आए तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपनी मसरूफियात से वक्त निकाला और इस अकीदत तौहीद सेमिनार में आप तशरीफ लाए। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बियादि मफी मिल कुरान हरफन हरफन व बियादि कुल हरफन अल्फन अल्फ मुसल्लिम तस्लीम। या अल्लाह जी तुसी करीम हो, या अल्लाह जी तुसी करीम हो, या अल्लाह जी तुसी बेहद करीम हो। थोड़े गुनागार बंदे थोड़े महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी उम्मत थोड़ी तौफीक नाल थोड़े महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दामाने रहमत पकड़ के थोड़ी बारगाह मुल्तजी इल्तजा करने हैं। या अल्लाह अपने महबूब दे सदका साढ़े सारे दीआं खतावां माफ फरमा, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत दे सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा। या अल्लाह जी इस पूरी महफिल नू अपनी बारगाह कबूल फरमो। या अल्लाह जी जिन्हां लोगों ने इस महफिल के इनकार किसी तरह भी दामे दिरमे कदमे सुख नहीं सह लिया, या अल्लाह जी इन्हां दी इस काबिश नू तोशा आखिरत बनाओ, साड़ी निजात का वसीला ते सबब बनो। या अल्लाह जी तुहाड़ी बारगाह इल्तजा करने आ इदारा सिरात मुस्तकीम दिन दुगनी रात उगनी तरक्की अता फरमाओ। महबूब आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और अल्लाह मेयार औलूहियत दे इस प्रचार दम शौक साढ़े क्यों हर एक दे दिल पैदा फरमाओ। या अल्लाह जी सानू सारे डॉक्टर साहब की इतवाज अपना सब कुछ लुटान की तौफीक अता फरमाओ। या अल्लाह जी थोड़ी बारगाह इल्तजा करना, या अल्लाह अपने करम नाल डॉक्टर साहब नू उम्र तवील अता फरमा, सेहत कामला अता फरमा। या अल्लाह इन्हां नू नजरे बद तो महफूज फरमा, या अल्लाह इन्हां नू हर बुरी नजर तो महफूज फरमा, हर तकलीफ और हर हादसे तो महफूज फरमा। या अल्लाह जी दिलों बजानो के तुहाडी बारगाह हर उस वास्ते दा वास्ता दे के जिहड़ा तुसीं राज़ी नहीं फरमांदे। या अल्लाह डॉक्टर साहब नू इन्हां नालों ज्यादा सोहना वारिस ते बेटा अता फरमाओ। या अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदका हुजूर दी सारी उम्मत दीआं परेशानियां दूर फरमाओ। या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान नू इस्तेकाम अता फरमा, अंदरूनी बैरूनी साजिशां तों महफूज फरमा। या अल्लाह बद अकीदा लोगां दे ताकत दा इसे तरह ही
شوق عطا فرما یا اللہ غازی ممتاز حسین قادری میں جلد باعزت رہائی عطا فرما یا اللہ سارے مسلمانوں کی رہائی واسطے صحیح پہم کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ لکھا کروڑا نعمتاں بن منگیاں دتیاں یا اللہ منگیاں ساڈے مرن والے اپنے محبوب دا دیدار عطا فرما حضور دی ساری امت تے دوزخ دی آگ حرام کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری امت تے نو بغیر حساب دے جنت عطا فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ صحابہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین.